गुड मॉर्निंग आज हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज़ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और रेगुलेशन बिल बिल पढ़ेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 का इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में और इसमें रेगुलेशन जो है यूज़ कैसे किया जाएगा डी टेक्नोलॉजी का जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता है सर्टन पर्सन को जो डी एन ए न्यूक्लिक एसिड ये हेरिडिटी मटेरियल होता है ऑलमोस्ट सेम होता है ऑलमोस्ट ऑल आल द ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया था डी जो होता है से, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखा जाता है इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रियल डी कहते हैं इसमें दो चेन्स होती हैं जो क्वाइल्ड होती हैं और आपस में सीढ़ी नुमा डबल सीढ़ी जिस तरह होती है सर्कुलर सीढ़ी उसी तरह डबल हेलिक्स इसको कहा जाता है और ये जो रहता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ के लिए इसमें ट्वेंटी थ्री पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं ट्वेंटी थ्री न्यूक्लियस के अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं और ये क्या होते हैं इंटायर ऑर्गेनिज्म इंटायर ऑर्गेनिज्म को बनाने का, का काम करते हैं और स्पेशली यहाँ से इन ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम में जो होते हैं डी जीन्स होते हैं उन्हीं से हम प्रोटीन बनाते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए ये स्टोर कर रखता है कोड फॉर्म में जिसे फोर केमिकल बेस कहते हैं एडिनिन ग्वाइनिन साइटोसिन थाइमिन और ये जो चारों होते हैं इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस कहते हैं और डी जो होता है एक जो ह्यूमन डी उसमें तीन बिलियन थ्री बिलियन थ्री बिलियन जो थ्री बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट जो है बेस पेयर जो होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे पाए जाते हैं मतलब पॉइंट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सेम होता है और वन परसेंट लगभग चेंज देखने को मिलता है डीएनए जो है ये रिप्लिकेट करता है अपनी कॉपी बनाता है अपनी जैसी और जो ईच स्टैंड होता है डीएनए का वो डबल हेलिक्स होता है और पैटर्न जो देखने को मिलता है डुप्लीकेट करता है अपने सिक्वेंस बेसिस को ये आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमाई स्ट्रक्चर ये डी है जिसमें ये सीढ़ी की जो स्टेप्स हैं वो नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें साइटोसिन एडनिन थमीन और ग्वाइन है अब इसमें एडिनिन थाइमिन ग्वाइनिन अब जब भी हमेशा एडनिन जो है थाइमिन के साथ होगा एड और सी जी जो होगा गवानी साइटोसिन के साथ अब जो ये बिल आया है इसमें यूज यूज ऑफ डी एन ए डेटा जो डी एन ए टेस्टिंग होगी वो ओनली किसी भी रिस्पेक्टिव मैटर में जो हो सकती है किस किस में होगी पहला कि अगर और किसी ने ऑफेंस करा है इंडियन पिनल कोड के अठारह सौ साठ के अकॉर्डिंग सिविल मैटर में अगर पैटर्निटी यूज़ बच्चे को फादर मदर का लेके और तीसरा जो मैटर रिलेटेड टू इस्टेब्लिश फॉर द इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे कलेक्शन डेटा करना हो जिसमें इन्वेस्टिगेट करना होगा और थर्टी को कलेक्ट कर सकती है बॉडी सब्सटेंस ऑफ पर्सन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑफ कंसेंट ऑफ कलेक्शन कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन सर्टेन सिचुएशन जैसे अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए कि जो ऑफेंस कैरी जिसने ऑफेंस किया है पनिशमेंट अप टू सेवन ईयर्स तक और जो ऑफेंस कैरियर है मोर देन सेवन ईयर ऑफ इम या फिर डेथ कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर उसको डेथ के लिए दे दिया गया तो उसको जरूरत नहीं है केवल और ये जो डीएनए डेटा बैंक है एक नेशनल डेटा बैंक डेटा बैंक जो है रीजनल डीएनए डी डेटा बेस जिसमें स्टोर किया जाएगा डीएनए प्रोफाइल को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में और जो रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल है जो रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल है रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल जो बिल है ये प्रोवाइड करेगा रिमूव कैसे किया सकता है डीएनए प्रोफाइल का फॉलोइंग पर्सन का तो अगर इफ़ सस्पेक्ट इट अगर सस्पेक्ट किया जाता है इफ पुलिस रिपोर्ट इज़ फाइल्ड ऑन द कोर्ट ऑर्डर गिवन या फिर अंडर ट्रायल अगर है इफ़ कोर्ट ऑर्डर इन द गिवन अगर वो रिटर्न रिक्वेस्ट है फॉर अ पर्सन हु आर नॉट ए सस्पेक्ट ऑफेंडर और जो अंडर ट्रायल है फॉर फ्रॉम द क्राइम सीन और जो मिसिंग पर्सनस इंडेक्स या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट करना जो डी एन ए रेगुलेटरी बोर्ड है जो सुपरवाइज़ करेगा डी एन ए डाटा बैंक और डी एन ए लेबोरेटरी का फेनाल्टी फिनल्टी जो फेनाल्टी जो पड़ेंगे वेरियस ऑफेंस जिसमें इंक्लूड किया जाएगा डिस्कलोजर ऑफ़ द डी एन ए इन्फॉर्मेशन और जो यूजिंग डी एन ए सैम्पल विदाउट औरविंग प्रोवाइडेड जिसमें नेशनल गाइडलाइन नेशनल गाइडलाइन फॉर द जीन थेरेपी एन सी आई सी एम आर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल रिसर्च इसने पब्लिश किया है नेशनल गाइडलाइन फॉर द जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल जो जीन थेरेपी प्रोडक्ट है ये बायोलॉजिकल एंटिटी है हैविंग जिसमें रिक्वायर्ड जीन जरूरी होती है और ये इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इन द जीनोम फॉर द थ्रोमेटिक बेनिफिट जीटीपी जो है ये जीटीपी जो है वर्क करती है बाय प्रिपेयरिंग जीटीपी वर्क करती है बाय प्रिपेयरिंग जो जी टी पी जो वर्क करती है प्रिपेयरिंग रिप्लेसिंग और जो डीएक्टिवेटिंग जो डाई डाई फंक्शनल डिजीजेज होती हैं कॉजिंग जीन जीन एम्ड टू री स्टोर द नॉर्मल फंक्शन जी टी पी जो होता है जीन थेरेपी प्रोडक्ट जीन थेरेपी प्रोडक्ट जो होता है इसमें रिकमनेंट वायरल वायरल वैक्टर्स होते हैं रिकम्नेंट वायरल वैक्टर्स होते हैं जैसे एडिनो वायरस रेट्रो वायरस और नॉन वायरल नॉन वायरल वैक्टर जैसे नेगेड डीएनए ट्रांसफेक्शन देखने को मिल सकता है माइक्रोबियल बैक्टीरियल वैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें सालमोनीला और ई का ई कोलाई रिश्चिया कोलाई रिकम डी हो सकता है ड्राइव फ्रॉम द वाइकल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जो जैसे कैसपर अदर जो सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ का एक्स वी बाहर निकाल के सही किया सकता है एक्स वी एक्स वी जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स और ये जो जीन मोडिफाई की जाती है ऑर्गोमेंट की जाती है स्टेम सेल जैसे आईपीएस आईपीएस इंड्यूस्ड आई पी एस इंड्यूज प्लूरोपोटेंट सेल प्लेरोपोटेंट जो होती है क्षमता जिन की जिन सेल की क्षमता होती है स्वयं रिग्रो करने के लिए उसको प्लोरी पोटेंट तो जिसमें किसी भी फॉर्म में मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल जीन थेरेपी डीएनए वैक्सीन जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड का जो एडमिनिस्ट्रेड फॉर द वैक्सीनेशन थेरेपी एज पर एज पर जितना एज पर जो न्यू ड्रग्स ड्रग और क्लिनिकल जो ट्रायल हैं जीटीपी जो है जीन जीन थेरपी जीटीपी जो है फॉल्स अंडर न्यू ड्रग एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड दीम, एज न्यू ड्रग जीन थेरेपी जो है ये इन, ये इसमें इ, इसमें क्या होता है इंटो, 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 इक, एक, ये एक प्रोसेस है जिसमें इंट्रोडक्शन रिमूवल इंट्रोडक्शन रिमूवल या चेंज किया जा सकता है अचीव लॉन्ग टर्म क्योर करने के लिए दो टाइप के होते हैं जीन थे जर्म लाइन जीन इसमें जो होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी में इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है एक जो मॉडिफाई जो कर देती है सेल्स को इंटू जर्म लाइन और फिर क्या होता है ट्रांसमिट होता है वर्टिकली अक्रॉस जनरेशन फिर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सही होता है जीन लाइन जो थेरेपी है ये प्रोहिबिटेड इन इंडिया इंडिया में ड्यू टू द इथिकल और जो सोशल सोशलेशन नैतिकता और जो सामाजिक के लिए इसको इंडिया में अलाउ नहीं किया गया है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी जो है ये इफेक्ट कर सकती है जो टारगेट टारगेट सेल्स हैं टिश्यूज ऑर्गन इन द पेशेंट नॉट पास्ट तो ये आगे वाली जनरेशन में नहीं जा सकती ये लीगल है इंडिया में ये आप करवा सकते हैं और ये ये इंक्लूड करता है जीनोम जो मॉडिफिकेशन होता है थ्रू क्रिस्पर रिलेटेड और जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं और एक्स वीवो जो होती है इसमें सेल को बाहर निकाला जाता है और सेल ऑपरेन फ्रॉम द इंडिविजुअल जेनेटिकली मॉडिफाइड करेक्ट मॉडिफाई किया जाता है करेक्ट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी और फिर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इन द सेम और इंडिविजुअल डिफरेंट इंडिविजुअल इन वीवो जो होता है सेल इसको बाहर नहीं निकालते हैं बल्कि द जीन जो होती है इंटरेस्ट की वो डिलीवर की जाती है डायरेक्टली टू तो द टारगेट सेल टिशू या ऑर्गन जैसे लीवर पेंक्रियाज मसल हार्ट इन द पेशेंट जीन डिलीवरी जो होती है कैरी आउट करी जाती है बाई वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम अब ड्यू टू तो द कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो अन प्रोडिक्टबिलिटी है ऑफ ह्यूमन डिजीज़ और नीड जो है इथिकल फ्रेमवर्क टू प्रीवेंट करना जो मिसयूज़ हो रहा है जीन थेरेपी का और ये जो गाइडलाइंस हैं बिकम नेसेसरी सेवेंटी मिलियन जो इंडियंस हैं एस्टिमेट किए गए हैं कि वो सफर कर रहे हैं फ्राम इनहेरिटेड जेनेटिक डिसजेज से जिसमें इंक्लूड किया गया है ब्ल ब्लड डिसऑर्डर जिसमें इंक्लूड किया गया है ब्लड डिसऑर्डर सचैज सचैज हीमोफीलिया थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया साथ में जो की गाइडलाइंस हैं एप्लीकेबिलिटी इसमें गाइडलाइंस अप्लाई करना होगा टू ऑल स्टेक होल्डर इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी इंक्लूड किया जाएगा रिसर्चर्स को क्लिनिक क्लिनिकल्स क्लिनश को रेगुलेटरी कमिटीज़ को इंडस्ट्री को पेशेंट को और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो जनरल प्रिंसिपल है क्लिनिकल ट्रायल जो है ऑन ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्विंग जिसमें जीन थेरेपी प्रिंसिपल हैं मस्ट सेफ करना ह्यूमन राइट्स की सेफ हो सके सेफ्टी और जो डिग्निटी है वेरियस जो प्रिंसिपल हैं जिसमें प्रिंसिपी प्रिंसिपल ऑफ एसेंशलिटी वॉल्टरिटनेस नॉन एक्सप्लाइटनेस रिस्क मैनिट्राइज करना बहुत जरूरी है जिसमें मैकेनिज्म जो है ओवरव्यू और ओवरसाइड करना जिसमें प्रपोज प्रपोज किया जा सक जिसमें प्रपोज किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवोल्यूशन कमेटी इसमें एक, एक कहते हैं जो कमेटी होती है जीन थेरेपी जीन थेरेपी एडवाइजरी जीन थेरेपी की एडवाइजरी और इवोल्यूशन कमेटी होती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक्सपर्ट जिसमें जिसमें क्या होता है एक्सपर्ट होते हैं फ्रॉम डाइवर्स एरिया ऑफ बायो बायोमेडिकल रिसर्च गवर्नमेंट एजेंसी और जो अदर स्टेक होल्डर हैं ये एक मंडेट्री है और ये मंडेट्री है सब फॉर Institution or entities engaged in development of gene therapy uh, protection. Uh, और ये जो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इन इसके लिए इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी भी होती है एक इस्टैब्लिश करनी पड़ती है इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी रिसर्च जो भी इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में ऑफ न्यू जीटीपी नीड जो होती है ऑपटेन अप्रूवल लेना पड़ता है आई बी इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी बायो सेफ्टी बायो सेफ्टी कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है और इथिकल कमेटी बायो सेफ्टी बायो सेफ्टी कमेटी से और इथिकल कमेटी से फिर बायोलॉजिकल मटीरियल जो होता है ह्यूमन

क्लिनिकल ट्रायल्स हैं बींग कंडक्टेड इन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर क्या क्या रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ़ वेरियस स्टेक होल्डर की इन्वेस्टिगेटर जो है वो ट्रीट करेंगे जो बायोलॉजिकल मटीरियल है विद ऑलमोस्ट एट मोस्ट जो रिस्पेक्ट और जो एडिकुएट केयर टू अवॉइड इट मिस यूज स्टोरेज करना और डिस्पोजल करना ऑफ द जी टी पी और इट्स जो कंपोनेंट हैं शुड बी एज पर जितना भी रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं ऑन बायो सेफ्टी ऑफ रिकमेंडेशन डी एन ए रिसर्च एंड बायो कं बायो कंटेनमेंट 2017 एनी जी पी एनी जी टी पी एनी कोई भी जी टी पी जो है ऑफ फॉरन ऑरिजिन और या फिर उसका जो मॉडिफाइड वेरियंट करा गया है ये विल बी फर्स्ट इन ह्यूमन यूज़ पहली बार यूज़ हो रहा है और नॉट परमिशबल फॉर डायरेक्ट फर्स्ट इन द ह्यूमन ट्रायल इन इंडिया इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनको डिमॉन्सट्रेट किया गया और रिस्पेक्ट करें रिस्पेक्ट की जाएगी जो ऑटोनॉमी है जो ऑटोनॉमी है और जो प्राइवेसी है पेशेंट की उसको के ध्यान में रखा जाएगा तो इसीलिए invig, in, होंगे जो डिमॉन्सट्रेट करेंगे उसके बाद जो गुड 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 मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी गाइडलाइन जो इसमें एक पर्सनल ट्रेन इसमें इंक्लूड किया जाएगा पर्सनल ट्रेनिंग और इस्टेब्लिश करना होगा एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए जो वेस्ट मटीरियल हैं बाय प्रोडक्ट हैं जी टी के मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ये हमेशा सिक्योरली डी कंटेमिनेट करना पड़ेगा और जो ट्रांसपोर्ट है एज पर जितना भी बायो हज़ार डिस्पोजल प्रोटोकॉल्स हैं बायो बायो हज़ार डिस्पोजल प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार उसको सही से प्रॉपर्ली उसको हटाना होगा सही से उसको डिस्ट्रॉय करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म अगर जीन की बात करें तो ये सिक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के डी या आर में और ये जीन जो होती हैं इंस्ट्रक्शन देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है आर बनता है और ये प्रोटीन बनाते हैं जीनोम जो है इंटायर डी जो होता है सिक्वेंस ऑफ जीन्स जो होती हैं सेल के अंदर सेल मतलब न्यूक्लियस के अंदर और जीनोम जो होता है डिवाइड होता है क्रोमोजोम में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग क्रोमोजोम होती हैं ह्यूमन की ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम है जिसमें से ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में से ट्वेंटी टू ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम कंटेन जीन क्रोमजोम के ऊपर जीन होती है और जीन जो होती है डीएनए से बनी होती हैं हर एक जीनोम जो होता है अप्रोक्सिमली थ्री टू टू बिलियन डी एन ए बेस पेयर पाए जाते हैं जर्म लाइन जो होती है जो जेनेटिक जो जेनेटिक मटीरियल होता है जब इनहेरिट होता है और कम फ्रॉम एग और इस्पम से इसे पास ऑन कर दिया जाता है दूसरे जनरेशन में तो इसको जर्म लाइन कहते हैं जीनोम जो होता है ये मैपिंग जीनोम मैपिंग और सिक्वेंसिंग इसका मतलब जो एग्जैक्ट ऑर्डर है बेस पेयर का जो एग्जैक्ट ऑर्डर है बेस पेयर का किसी भी इंडिविजुअल के अंदर और ये बेस पेयर जब अरेंज होते हैं और तो इसमें वेरिएशन जो अरेंज होते हैं जो वेरिएशन और जो म्यूटेशन होता है इनके पैटर्न में और इससे क्या होते हैं कुछ क्ल्यूज मिलते हैं अबाउट ह्यूमन इंडिविजुअल हेल्थ और इल हेल्थ पता या इनहेरिट या एक्वायर्ड अब अगर इनके पैटर्न में जो बेस पेयर के पैटर्न में अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जा रहा है या फिर वेरिएशन्स आ रहे हैं या फिर म्यूटेशन की वजह से चेंज आ रहा है तो इससे हम पता कर सकते हैं क्लू मिलता है कि इंडिविजुअल की हेल्थ सही नहीं है या फिर इल है या फिर उसका इनहेरिटेड एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अब जो डी एन ए न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर होता है डी एन ए न्यूक्लियोटाइड का और जो बेस पेयर का जीनोम में जो ऑर्डर होता है एडेनिन जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ये क्या करते हैं मेकअप ये क्या करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म के डी एन ए को बनाने का काम करते हैं जीनो टाइप जो होता है जीनो टाइप हमें दिखता नहीं है ये केवल पैटर्न ऑफ जीन्स होती हैं जो ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म के डी डी एन ए में जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अब जो फिनोटाइप होता है बाहर से दिखता है लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा छोटा मोटा जितना भी है ये सब फोटो फिन, फिनोटाइप जिसको हम देख सकते हैं बाहर अब पेड़ जैसे मटर का पेड़ छोटा था बड़ा हो सकता है मटर गोल थी फिर पिचकी हो सकती है इस टाइप से फिनोटाइप तो ये ऑब्जर्वेबल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्किन कलर ले लीजिए हाइट ले लीजिए ठीक है ये सब तो ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिज्म अपीरेंस डेवलपमेंट और जो बिहेवियर अब क्लस्टर क्रिस्पर क्रिस्पर क्या है एक ये क्लस्टर क्लस्टर रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोम रिपीट्स हैं क्रिस्पर एक क्या है क्लस्टरी रेगुलरली रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिड्रोम रिपीट्स हैं ये डीएनए टारगेटिंग करते हैं पार्ट ऑफ द सिस्टम जो कंसिस्ट करते हैं डीएनए डीएनए ए और जो गाइड करते हैं डेजिग्नेटेड टू बाइंड टू स्पेसिफिक डी एन ए बेस थ्रो क्रिस्पर एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियस सी कैस नाइन ये जो है न्यूक्लियो न्यूक्लियस है एज जहाँ लगा लगा होता है वो इंजाइम होती तो न्यूक्लियस जो कट करता है डीएनए को लू लूलू लू और नाना लूलू लू और नाना ये वर्ल्ड के फर्स्ट जीन एडिटेड जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज थे जो यूज़ करा गया था क्रिस्पर जीन को स्टेम सेल्स क्या होते हैं स्टेम स्टेम सेल मतलब ऐसी ये स्पेशल ह्यूमन सेल्स होती हैं जो जिनके अंदर एबिलिटी होती है जो डेवलप कर सकती हैं इनटू मैनी डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स जो फॉर्म करती हैं मसल सेल्स या ब्रेन सेल्स आपने देखा होगा जो जाइगोट होता है जाइगोट के बाद जब कहते हैं स्टेम सेल डिवाइड हो जाती है इक्टोडर्म इंडोडर्म और मीजोडर्म तो फिर वो अपना अपना सेल सेल्स जो होती हैं ऑर्गन अपना अपना डेवलप करना चालू कर देती हैं जर्म सेल्स जो होती हैं ऐसी सेल्स जो क्रिएट करती हैं रिप्रोडक्टिव सेल जर्म सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल क्रिएट करती हैं रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सेलों से गैमेट्स कहते हैं और गैमेट में एग और या फिर स्पर्म हो सकते हैं फाउंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में ओवरीज में फीमेल्स में ओवरीज में ओव्यू ओव्यूल से एग निकलता है और मेल्स में टेस्टिस से स्पर्म्स निकलते हैं रेट्रोवायरस जो होता है ये एफसी फैमिली वायरस की जिसमें विद जिसमें क्या होता है कि विद आरएनए जो होता है जब आरएनए आरएनए एन एज जेनेटिक मटेरियल जब इंटीग्रेट हो जाता है जीनोम इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल तो इसे क्या कहते हैं रेट्रो वायरस वायरस नेक्स्ट है ट्रांसजीन ट्रांसजीन जब ट्रांस जीन एक जीन जो होती है किसी को जेनेटिक मटेरियल जब आर्टिश जब जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें आर्टिशफ आर्टिफिशियली अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई जीन इंट्रोड्यूस इन द जीनोम ऑफ एनदर किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के जीनोम में अगर हम बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको ट्रांस जीन्स कहेंगे नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी एन एस जी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इनआरेटेड इनार्ग्रेट किया एस एस नैशनल नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी जिसमें सेंटर सेंटर फॉर सेलोर और मॉलिकुलर जो बायोलॉजी है इन हैदराबाद हैदराबाद में उसके साथ इनआरेट किया है जो नेशनल नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम द सेंगर मेथड। सेंगर ने सेंगर ने सबसे पहले प्रोटीन जो फॉर्मेशन सीक्वेंस था उसके बारे में बताया था तो इसलिए जो यहाँ पे नाम है सेंगर मेथड। होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो कहते हैं जो प्रोवाइड करती है मैसेविल पैरल एनालिसिस करती है एक्सट्रीमली हाई थाट फ्राम द मल्टीपल मल्टीपल सैम्पल रिड्यूसड कॉस्ट एन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट नेक्स्ट एन एस जी जो है ये क्या कहते हैं हेल्प करता है प्री नेटल एक जेनेटिक सिक्वेंसिंग एंड काउंसलिंग प्री जो नेटल होता है छोटे बच्चे उनमें क्या कहते हैं चेक करता है स्क्रीनिंग करने में और जो अब उसके बाद जो जेनेटिक जनरेटिंग जेनेटिंग लार्ज जनरेटिंग लार्ज जो सेल जीनोम डेटा होता है क्रिटिकली द डायग्नोसिस और थेरेपी री क्रिएटेड इरिश्चा कोलाई हम इरिश्चा कोलाई को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं कैसे साइंटिस्ट ने पहली बार क्रिएट किया था वर्ल्ड के फर्स्ट लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे जो फुली सिंथेटिक थे और रेडिकली इसमें ऑल्टर किया गया था डीएनए कोड को रिप्लेसिंग जो रिप्लेसिंग रिप्लेस की गई थी जो जीन्स थी ई e. कोलाई की बैक्टीरिया और विद जीनोम सिंथेसाइज किया गया था लैब में ई e. कोलाई के जो स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन थे ई e. कोलाई के जिसमें नॉर्मली फाउंड इन सॉइल और ह्यूमन गट में जो ई e. कोलाई पाया जाता है सॉइल और गट में ये सर्वाइव करते हैं ऑन अ स्मॉल सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन अब मानो मानो ह्यूमन एटल्स इनिशिएटिव ये बी डीबीटी जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है मानो ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव मानो जो प्रोजेक्ट है क्रिएट करेगा ओपन और जो इंटरेक्टिव एटलस ह्यूमन बायोलॉजी के लिए एटलस फॉर ह्यूमन बायोलॉजी जिसमें कंपाइलिंग होगी कर्टेनिंग होगी सिक्वेंसिंग किया जाएगा डेटा एट द मोलिकुलर सेलुलर टिश्यू ऑर्गेनिज्म लेवल पर साइंटिफिक साइंटिफिक लिटरेचर एंड पब्लिश डेटाबेस जितना भी डी में डेटाबेस होगा उसको सेल उसको इस, मोलिक्यूल लेवल पे सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनिक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, उसको एक साइंटिफिक लिटरेचर के फॉर्म में जैसे डिक्शनरी होती है उसी तरीके से पब्लिश किया जाएगा डेटाबेस को ये फर्स्ट टाइम जो है इंडियन साइंटिस्ट जो है ये मैपिंग कर रहे हैं एवरी सिंगल जो टिश्यू है ह्यूमन बॉडी की जिसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके जो रोल है टिश्यूज के जो टिश्यूज़ के और सेल्स के जो लिंक टू वेरियस डिजीजेस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन इसमें नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस काम कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च आई आई पुणे काम कर रहा है साथ में जो परसिस्टेंट सिस्टम है लिमिटेड जो को फाउंडेड प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद जो डी है और ये डेवलप डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म जो प्रोजेक्ट है कैन भी ये जो प्रोजेक्ट है कैन बी साइंड ये प्रोजेक्ट जो है साइंड अप बाय द स्टूडेंट जो हु आर इन दियर जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है और अब, अब जो पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है बट नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व इन द एक्टिव साइंटिफिक जो रिसर्च कैन बी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क ये जो है हेल्पफुल होगा फिजियोलॉजिकल और जो मॉलिकुलर मैपिंग है ड्रग डिस्कवरी और जो कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइज कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज जो मेडिसिन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कम्यूनिटी और जो फ्यूचर रिसर्च हैं ये जो है हेल्प इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड और कैप्चर द जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इन टू स्टेजेज इन अ नॉर्मल स्टेज और वाइल्ड इन द डिजीज स्टेज जो डेटा बेस है इंडिविजुअल टिश्यू का वो हेल्पफुल होगा इन ट्रेसिंग द काजेज ऑफ द जो डिजीज़ हैं अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक पाथवे इन सब के लिए रिलेटेड न्यूज़ अगर बात करें तो यू एम यू एम एम आई डी यूनिक मैथड यूनिक मैथड फॉर यूनिक मैथड ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट यूनिक मैथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड इनहेरिटेड डिसऑर्डर तो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिक मैथड यूनिक मैथड मैनेजमेंट यूनिक मैथड ऑफ मैनेजमेंट एंड एंड जो ट्रीटमेंट करना है ऑफ़ द इनहेरिटेड डिजीज इनिशियेटिव एम क्या है इसका क्रिएट करना अवेयरनेस जो अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर अमंग जो क्लिनिक्स हैं और जो इस्टेब्लिश मॉलिकुलर जो डायग्नोस डायग्नोस्टिक है इन हॉस्पिटल सो सो दैट जो बेनिफिट है डेवलपमेंट का इन द मेडिकल जेनेटिक्स को रीच ईच पेशेंट अब सपोर्ट ये सपोर्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और तीन कंपोनेंट हैं यू एम आई आई डी में जिसमें पहला है इस्टेब्लिश करना निदान निदान मतलब नेशनल इनहेरिटेड नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन निदान नेशनल इन्हेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा है निदान के बाद केंद्र केंद्र केंद्राज जिसे डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग प्री टेस्टिंग और जो डायग्नोसिस है मैनेजमेंट एंड मल्टी मल्टीडिसिप्लिनरी केयर इन हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये प्रोड्यूस ये प्रोड्यूस करेगा स्किल्ड क्लिनिक्स इन ह्यूमन जेनेटिक और ये अंडरटेक स्क्रीनिंग ऑफ प्रेगनेंट जो वुमेन हैं और जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं फॉर इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज इन द हॉस्पिटल एट द एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्स जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है गवर्नमेंट ने अभी क्लियर करा है कि एमबीशियस जीन मैपिंग करी जाएगी प्रोजेक्ट नोन एज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और ये एस्टिमेट वर्थ है ऑफ लगभग रुपीज़ टू थर्टी एट करोड़ का ये अबाउट जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जो है क्लियर कराया गया था बाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है ये बजट बजट स्पीच में जिसमें इनिशिएट किया गया था दो दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम मैप इंडियाज जेनेटिक लैंडस्केप इंडिया के जेनेटिक लैंडस्केप तैयार करे जाएंगे जो क्रिएट करेंगे कंप्रेसिव डेटाबेस इसमें ट्वेंटी लीडिंग इंस्टीट्यूशन होंगे इंक्लूडिंग जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु और साथ में कुछ आई भी होंगे जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है जो, जो बेंगलुरु में जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है और जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है आई आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये सर्व करेगा नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और आई 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 एस सी जो है बेंगलुरु का ये दोनों नोडल पॉइंट होंगे प्रोजेक्ट के और फर्स्ट स्टेज में जो प्रोजेक्ट है ये दस हज़ार जो लोगों का दस हज़ार लोगों का जो है फ्रॉम ऑल ओवर सैंपल लिए जाएंगे दस हज़ार लोगों का फ्रॉम ऑल ओवर जो ऑल ओवर कंट्री से जिससे टू फॉर्म अ ग्रेड दैट जो इनेबल कर सके डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस जीनोम इसके साथ जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है आई और जो लास्ट जो ईयर कंक्लूड किया था छः महीने का एक्सरसाइज कंक्लूड कंडक्टिंग जिसमें होल जीनोम जो सिक्वेंसिंग है एक हज़ार आठ इंडियंस जो हैं अंडर इंडी जन इंडी इंडीजन इंडी प्रोग्राम में अब सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट क्या है एग्जिस्टिंग ग्लोबल जो जेनेटिक स्टडी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बेस्ड मेनली ऑन जो कॉकाशियन कॉकाशियन को कौ, हम जो मानते हैं ज़्यादातर जेनेटिक जो हमारा ग्लोबल जेनेटिक स्टडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बेसिकली मेनली जो है हमारा कोस हम मानते हैं हम लोग कोकाशियन मिडिल मिडिल अर्बन अर्बन मिडिल क्लास जो है सैंपल लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट लिए गए थे उसके बाद उसके बाद विच विच आर नॉट कंसिडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ह्यूमन्स लेकिन जो प्रोजेक्ट हेल्प करेगा इंडिया इंडिया डेवलप कर रहा है इंडिजनस कैपेसिटी इंडिजीनियस इंडिया डेवलप कर रहा है इंडिजीनियस कैपेसिटी टू जनरेट मेंटेन एनालाइज इंडिया का इंडिजिनस कैपेसिटी जो जनरेट कर रहा है मैंटेन एनालाइज यूटीलाइज करना जो कम, कम्युनिकेट लार्ज स्केल जो जीनोम डेटा है इन दब स्केबल मैनर में और ये जो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड जो अंडरस्टैंड करने में जो टाइप और जो नेचर है डिजीज़ का स्ट्रेट जो कंप्राइज़ कर रही है द दा डिजीज डाइवर्स जो इंडियन पॉपुलेशन है जो हेल्प करेगी टू तो डेवलप प्रिशियस प्रशियस मेडिसिन फर्दर जो इम्प्रूव फर्दर जो इम्प्रूव होगा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई वैल्यूएशन जो फर्दर इंप्रूव होगा जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है अंदेस्टें� ई वैल्यूएशन बोथ फ्राम द बायोलॉजिकल बाजिकल बोथ फ्राम द बायोलॉजिकल चाहे इंटर इंट्रा हो चाहे इंटर इंटरेक्शन स्पीशीज स्पीशीज इकोलॉजी इंटरेक्शन और साथ में जो सोशोलॉजिकल माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिलेगा और जो जो रिचुअल्स होती हैं ये भी ध्यान में रखा जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एंड प्रवेंटिव हेल्थ केयर इसमें क्या होगा प्रोडिक्ट किया जा सकता है और प्रिवेंटिव प्रेवेंटि हेल्थ केयर के बारे में बताया जाएगा जो आउटकम है प्रोजेक्ट विल हेल्प करेंगे इन फास्टर एंड जो एफिशिएंट डायग्नोसिस है ऑफ ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीजेस इसमें आप देख रहे हैं पहले सेल सेल के अंदर क्या हो रहा है सेल के अंदर क्या हो रहा सेल के अंदर सेल के अंदर प्रोफेस है प्रोफेज में क्रोमोजोम क्रोमोजोम से आप देखिए न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम जो होता है जब हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोटीन्स पे कहते हैं इसको न्यूक्लियोसोम फिर जीन होती है और जीन के बाहर क्या होता है बेस पेयर्स होते हैं तो सबसे नीचे बेस पेयर्स होते हैं फिर से जीन बनती है, जीन से फिर जीन जो होती होती है हिस्टोन पे रैप हो जाती है गोल गोल उन उनके गुल्ले की तरह इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं और फिर जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो गुलेट के क्रोमोजोम बन जाता है क्रोमोजोम जो इस तरीके से जियम क्रॉप जियम क्रॉप रिसेंटली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अप्रेजल कमेटी अप्रेजल कमेटी जी ई एसी जो जेनेटिक इंजिंग अप्रेजल कमेटी है इसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा है कि इनिशिएट किया जाए जो एक्शन स्टॉप टू स्टॉप कल्टिवेशन ऑफ इ जो हाइब्रिसाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट वराइटी ऑफ बी टी कॉटन जो एच टी बी टी एच टी बी टी हरबी साइड टॉलरेंट वराइटी जो है एच टी बी टी कॉटन के लिए कहा गया है अब जी एम क्रॉप जो है जी एम क्रॉप जीन जी एम क्रॉप जो होते हैं जिसमें जेनेटिकली आर्टिफिशली इंसल्ट किया गया है इन इट फ्रॉम एनदर स्पीशीज जो गिव सम कुछ डिजायर जो प्रॉपर्टी जिसे पेस्ट रेजिस्टेंट कुछ पेस्टों के लिए रेजिस्टेंस उसमें आती है कुछ हर्ब के लिए रेजिस्टेंस हर्बी साइड जिसे कहते हैं टॉयलेट और जो सूखे में डफ रेजिस्टेंस करेंटली जो ओनली जी क्रॉप जो परमिट है इंडिया में फॉर कल्टिवेशन इंडिया वो बी कॉटन है बट सेवरल केसेज में जो कल्टिवेशन ऑफ इ लीगल जी क्रॉप्स जो हैं ब्रिंजर और सोयाबीन जो रिपोर्ट करे गए हैं फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्यू मंथ्स में अब जो बहुत सारे इसके लिए एर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है जिस, अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप एज पर जो रूल बनाए गए हैं फॉर द मैनुफैक्चर यूज एक्सपोर्ट इंपोर्ट और स्टोरेज जो है हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल जो है नाइनटीन एट्टी नाइन का जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है नाइनटीन एट्टी सिक्स का काम करता है एच टी बी टी कॉटन ओनली जी एम कॉटन जो है वो परमिट है इंडिया में ग्रो सक ग्रो करा सकते हैं और हाइब्रिड वाइटीज़ लेकिन जो क्राई वन ए सी है और क्राई क्राई वन ए सी और क्राई टू ए क्राई ए सी है एक ए बी है तो क्राई वन ए और ए सी ये दो जीन्स हैं जो आइसोलेट की गई हैं सॉइल बैक्टीरियम बेसलेस से और कोड करती हैं फॉर प्रोटीन्स जो टॉक्सिक हैं टू बुल जो बुल जो गुल्ला बनता है जिसमें ऊन ऊन होती इसमें जो कॉटन के वो गुल्ले बनते हैं ऊपर पेड़ में वो गुल वॉम इंसेक्ट पेस्ट के लिए एच टी बी टी कॉटन और बी जी कॉटन थ्री एच टी बी टी काटन और बी जी कॉटन थ्री ये इन्वॉल्व करते हैं जो एडिशन ऑफ अनदर जीन जिसका नाम सी पी फोर ई पी एस एस ई पी एस पी एस फ्राम अनदर सॉयल बैक्टीरिया जिसका नाम एग्रो बैक्टेरियम टुमनी फेशियन तो दो टाइप के बैक्टीरिया एक बेसलेस थ्रज जिसका नाम बी टी है इसमें दो जीन है क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी और ये जो है बुलवॉर्म बुलवॉर्म के लिए काम करती हैं दूसरा हमारा एग्नो एग्नोबैक्टी टोमीफेशियन जिसमें सी पी फोर ई पी एस एस पी है और ये क्या करता है ये जो बी टी कॉटन है ये टॉलरेट करता है ये टॉलरेट करता है किसे ग्लाइको फॉसफेड ग्लाइको फौस्वेड जो एक हर्बिसाइड वराइटी है और हुज एक्शन किल ओनली वीड ये क्या करता है केवल वीड को वीड को मारता है पिंक वलवॉम को नॉट द क्रॉप ये क्रॉप को नहीं मारकर केवल वीड खरपतवार है उसी को देता है पिंक वलवाम को और इंडिया में जो ग्लाइको फॉस ग्लाइको ग्ला, ग्लाइको, ग्ला, ग्लाइको, ग्ला, ग्लाइको ग्लायफ ग्लायोफॉस्फेट जो है रजिस्टर्ड फॉर द यूज यूज ऑन टी एंड नॉन क्रॉप एरिया में अब जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी जो है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में आती है अपेक्स बॉडी है अप्रूव करना जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं लार्ज स्केल ऑफ हजारडस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम रिकम्बीन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही रिसर्च में और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन में फ्राम द इवायरमेंटल एंगल से तो जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल है जितना भी अप्रूव कराना पड़ता है प्रपोजल रिलेटिंग टू जो रिलीज़ की जाती है जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट हैं इन द इन्वायरमेंट जिसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल गोल्डन राइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला में है और अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद इसका पार्टनर जो सक्सेसफुली उसने गोल्डन कल्टिवेट किया है गोल्डन राइस और एक कंट्रोल किया कंट्रोल कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑन आई आर आर पी कैंपस में विटामिन ए जो डिफिशेंसी थी विटामिन ए डिफिशेंसी जनरली क्या करती है इम्बेलेंस डाइट करती है इंक्लूडिंग जिसमें लिमिटेड एक्सेस होता है टू फ्रेश वेजिटेबल वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट्स जो परसिस्टेंट डिफिशेंसी देखने को मिलती है जैसे वाइटल न्यूट्रिएंट जो होते हैं जिससे ब्लाइंडनेस आने लगती है और आंखें सही से दिखता नहीं है इलनेस और इवन डेथ हो सकती है विटामिन ए डिफिशेंसी जो है ये कम्प्रोमाइज़ कर या कंप्रोमाइज़ करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और इसका मतलब जो बच्चे होते हैं डाई हो जाते हैं फ्रॉम कॉमन डिजीज़ जैसे डायरिया हो गया और या ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर मिसल से इनकी डेथ होती है अब वाई गोल्डन गोल्डन राइस गोल्डन राइस जो है एक कलेक्टिव नाम है जो राइस वराइटीज़ हैं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है काउंटर विटामिन ए विटामिन ए डिफिशेंसी को ख़त्म करने के लिए एक जीन इसमें डाली गई है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में और यूरोपियन साइंटिस्ट जो है डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंड जो गोल्डन राइस के हैं टुवर्ड द एंड ऑफ नाइनटीन नाइन्टीज़ नाइन्टीज नाइन्टीज में जो गोल्डन राइस था ये फर्स्ट स्टैंड इसका आया था गोल्डन राइस डिफ़र करता है फ्रॉम स्टैंडर्ड राइस क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा जीन होती है फ्रॉम फ्रॉम वन फ्रॉम मेज एक जो होती है भुट्टे से आती है और दूसरी जो होती है बैक्टीरियल ऑरिजिन से होती है भुट्टा भुट्टे से जो मेज़ और जो बैक्टीरिया और दोनों को मिला के एक रिस्प जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रो प्रो विटामिन प्रो विटामिन ए प्रो विटामिन ए जिसे बीटा कैरोटीन कहा जाता है जिसे प्रो विटामिन ए प्रो विटामिन ए जिसे बीटा बीटा कैरोटीन कहा जा जाता है ये राइस में गेन होती है प्रो विटामिन ए जो होती है कलर जो होता है ग्रीनस का येलो ऑरेंज होता है इसीलिए इसका नाम गोल्डन गोल्डन राइस रखा गया है अब जब वह एक बार जब एब्ज़ॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में जो प्रो विटामिन ए होती है कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में और प्रो विटामिन ए जो होती है फाउंड इन मैनी फ्रूट वेजिटेबल्स ये जो है ऑल्सो मे कैरेट्स ऑरेंज और, और अदर एग्जाम्पल तो गोल्डन राइस में प्रो विटामिन प्रो विटामिन गोल्डन राइस में प्रो विटामिन ए होती है जिसे हम बीटा कैरोटीन कहते हैं जब हम हमारे स्टमक में जाती है तो ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है जो रिसर्च है इंडिकेट करती है कि वन कप अगर हम गोल्डन राइस जो है ये प्रोवाइड करेगा फिफ्टी परसेंट जो है डेली रिक्वायरमेंट जो है एडल्ट फॉर विटामिन ए गोल्डन राइस जो है ये ग्रो करेगी है जस्ट सेम वे जैसे हम नॉर्मल राइस ग्रो करते हैं लेकिन देर देर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम कॉस्ट जो अगर देखें कल्टिवेशन को लेके ये 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 रिड्यूस कर देगा जो वाटर यूज है बाय थर्टी परसेंट विदाउट एनी ईड एनी ईड लॉस को थर्टी परसेंट वाटर कम कर देगा और शुड नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन थ्री मंथ तीन मंथ से ज़्यादा इसे हम स्टोर नहीं कर सकते ये इसका बैकड्रॉप है मे लॉस्ट इट न्यूट्रियन आफ्टर दैट अगर उसके बाद हम स्टोर करेंगे तो इसके न्यूट्रियन खत्म हो जाएंगे आई आर आर आई आई आर आर आई जो है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड जो एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो 1960 में बनाया गया था बाय द फोल्ड ऑफ रैक फेलर जो फाउंडेशन थी जो सपोर्ट करती थी रिफॉर्म फिलिप गवर्नमेंट के द्वारा ये इंस्टीट्यूट जो है हेड क्वार्टर है इसका लाउस बोनस में फिलिपींस में ऑफिस जो है इसमें सत्रह राइस ग्रोइंग कंट्री हैं जिसमें इसमें सत्रह राइस ग्रोइंग कंट्री आते हैं जिसमें एशिया और अफ्रीका के जो रीजनल सेंटर है इसका ओपन किया गया था रिसेंटली इसका जो रीजनल सेंटर रिसेंटली ओपन किया गया वाराणसी में और ये डेडिकेटेड है रिड्यूस करना जो पॉवर्टी और जो हंगर है थ्रू राइस साइंस और इंप्रूव करना हेल्थ और जो वेलफेयर वेलफेयर ऑफ राइस फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स साथ में प्रोटेक्ट करना जो राइस ग्रोइंग एनवायरमेंट है फॉर द फ्यूचर जनरेशन आई आर आर जो है आई आर आर आई जो है एक ए मेंबर ऑफ सी जी आई ए आर जो ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप कमिटेड है टू ए टू ए फूड सिक्योर फ्यूचर फूड सिक्योर फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करें तो मुक्त कोशी मुक्तोश्री 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 आई टी टू थाउजेंड टू थाउज ट्वेंटी वन ये कॉमर्शियल राइस वराइटी है जो रेजिस्टेंट है आर्सनिक से आर्सनिक से बहुत रेजिस्टेंट है मतलब आर्सनिक को ये झेल लेगी ये डेवलप्ड की गई जॉइंटली बाय वेस्ट बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है और जो एन लखनऊ का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है अब हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो इसरो में गगनयान जो है ये गगनयान जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है गगनयान नेशनल एडवर्सरी Ad जो काउंसिल है ये क्रिएट की गई है और इसके जो विद मेंबर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज अब गगन गगनयान जो एडवर्सरी काउंसिल है ये कम्प्राइज करती है मल्टीपल सीनियर ऑफिसर लाइक जो सेक्रेटरीज हैं जो सेक्रेटरी सचिव हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइज़र हैं पीएम के और फॉर्मर जो चेयरमैन हैं इसरो के डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर जो हैं है, प्रीमियर एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड ऑफ़ द वेरियस जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो प्रोजेक्ट स्टेटस है गगनयान का कवर करेंगे जो टेक्निकल डिटेल्स हैं साथ साथ में कोलेबोरेशन विद वेरियस जो नेशनल स्टेक होल्डर्स ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेस नीड फॉर सेटिंग जो प्रायोरिटीज हैं एट वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज टू कंप्लीश गगनयान अब इसमें अगर देखें तो इंडिया इंडिया इंडियन जो है मैंड विजन मैंड विजन मा, मानो जा सकता है मानव के साथ जो मिशन है टू स्पेस वाज फर्स्ट मोटेड इन 2004 इंडिया मैंड मिशन जो है स्पेस में भेजा गया 2004 में गगनयान ये प्रोग्राम जो है इंडिजीनियस है हमने खुद बनाए अपने देश में इंडिजीनियस मिशन है जो लेकर जाएगा जो टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस वाज अनाउंसड इन 2018 ये लेके जाएगा मनुष्य को स्पेस में ये मोदी ने 15 अगस्त 15 20 अगस्त 2018 को अनाउंस किया था ओवरऑल ओवर ओवर द ईयर ओवर द ईयर जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कर रहा है और टेस्ट कर है चुका है नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्रटिकल टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए इसमें स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं इसमें स्पेस कैप्सूल स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं एसआरई दो हजार सात और क्रूमेड्यूल क्रू मेड्यूल क्रू मेड्यूल एटमोस्फेरिक री री एंट्री री एंट्री एक्सपेरिमेंट जिसे केयर कहे जा 2014 दो हज़ार चौदह में हुआ उसके बाद जी एस एल वी मार्क थ्री दो हज़ार चौदह में हुआ और इसके बाद हमने री यूजेबल लॉन्च वाहकिल टेक्नोलॉजी डिमॉन्सट्रेटर आर एल वी टी डी री यूजल लॉन्च वाहकिल टेक्नोलॉजी आर एल वी टी डी फिर स्केप सिस्टम एंड पैड एब्रॉड टेस्ट क्रू सिस्टम क्रू स्केप सिस्टम और पैड पैड अबॉल्ट टेस्ट ये जो इसरो है रिसेंटली उसने अनवेल करा है जो स्पेस कैप्सूल है क्रू मॉड्यूल और जो स्पेस स्विट इप है इसरो जो है हैज साइन इसरो ने साइन किया है ए पैक्ट इसरो ने साइन किया है पैक्ट विद द रशियन फर्म के साथ जिसे ग्लेवैकोमोस गला, ग्लेवैकोमोस जो सेलेक्ट और जो सेलेक्ट करेगा और ट्रेन करेगा इट्स नॉट फॉर द कंट्रीज गगनयान प्रोजेक्ट इसरो जो है रिसीव करेगा असिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेंच स्पेस एजेंसी सी एन ई एस फ्रांस की फ्रांस की स्पेस एजेंसी जिसका नाम सी एन ई एस है इन द टर्म ऑफ एक्सपर्टाइज वेरियस जो फील्ड इंक्लूडिंग जो स्पेस मेडिसिन और जो एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट अब अबाउट अब गगनयान की बात करें जो ये क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो एक्सपेक्ट किया गया है वो कैरी थ्री पीपल इन द स्पेस थ्री पीपल को लेके जाएगा तीन लोगों को ले जाएगा स्पेस में फॉर सेवन डेज सात दिनों तीन लोगों को एक सप्ताह की सैर कराएगा विद दिस इंडिया जो है पोटेंशियल इसके अंदर क्षमता है कि वो बिकम द फोर्थ या चौथा कंट्री बन जाएगा जो सेंड कर सकते हैं अपने मैन टू स्पेस आफ्टर यूएसएसआर चाइना यूएसएसआर एस एस आर यू और चाइना उसके बाद इंडिया टोटल जो प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड लगभग हो जाएगा 2022 तक जब हम 75 साल अपने आज़ादी के मनाएंगे इसरो जो है प्लान कर चुका है दो इसरो ने प्लान किया है दो अनमैनड गगनयान फ्लाइट बाय दिसंबर 2020 के साथ और ज, इन जुलाई जुलाई दिसंबर ट्वेंटी के साथ दो अन मैंड गगनयान दो बिना मानव के गगनयान फ्लाइट करी जाएंगी और जुलाई 2021 तक बिफोर अंडरटेकिंग दो मैंड मिशन बाय दिसंबर 2021 दिसंबर 2021 तक हम मैंड मिशन कर सकते हैं तो अन मैं मिशन हम 2020 में करेंगे और एंड इन जुलाई 21 बिफोर और इसके बाद 2021 में जी, जी, जी एस एल वी मार्क थ्री जी एस एल वी मार्क थ्री जी एस एल वी मार्क थ्री ये थ्री स्टेज हैवी लेफ्ट लिफ्ट लॉन्च वहीकल है मतलब ये ऐसा वहीकल है जो हैवी चीजों को लिफ्ट कर सकता है ऊपर यूज किया जाएगा लॉन्च गगनयान गगनयान के लिए लॉन्च किया जाएगा इसको बाहुबली भी नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत हैवी इंजन्स को भी ऊपर भेज सकता है और नेसेसरी प्ले कैपेसिटी जो स्पेस एक्सपेक्ट की गई है प्लेस इन इन प्लेस इन ए लो अर्थ ऑर्बिट जिसमें तीन तीन सौ से चार सौ किलोमीटर तक जाने की क्षमता विद इन सिक्सटीन मिनट्स के अंदर टेकिंग ऑफ जो क्र्यू है क्र्यू विल भी क्र्यू जो है स्पेस में वेयर दे विल रिमेन फॉर फाइव टू सेवन डेज फाइव टू सेवन डेज और ये रिटर्न जर्नी जो है एक्सपेक्टेड होगी छत्तीस मिनट के अंदर छत्तीस मिनट की मतलब 16 मिनट के अंदर वो ले जाएगा और फिर छत्तीस मिनट के अंदर वापस भी ले आएगा जो गगनयान है ये बहुत ही स्मॉलर इन साइज़ होगा गगनयान जो है बहुत स्मॉलर इन साइज देन द करंट जो रशिया का सुयोज यो, सु सुयोज और चाइनीज़ का शन सो सन जूहू और जो नासा का प्लान ओरियन ओरियन जो स्पेसक्राफ्ट था तो जो ये भारत का साइज जो है स्मॉलर रहेगा जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं आर नॉट येट इन प्लेस इसरो ने कोलेबोरेट किया है विद इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडिया इसरो जो है कोलेबोरेट करा है इंडियन एयरफोर्स के साथ और उसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोपेस मेडिसिन एरो स्पेस मेडिसिन बेंगलुरु जिसमें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होगी एस्ट्रोनॉट जो है ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान और इंडियन एयरफोर्स पायलट जो होंगे हुज ट्रेनिंग है जो उनकी जो ट्रेनिंग है गोइंग इन रशिया रशिया में होगी जो प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है इस प्रोजेक्ट में हेल्प हो रही है इनहेंस करेगा जो ये प्रोजेक्ट हमें हेल्प करेगा एनहेंसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल इन द कंट्री और स्पेस डिप्लोमेसी जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी उस उसका लेवल बढ़ेगा और हम जो साइंस की जो स्पेस की डिप्लोमेसी है क्योंकि अभी स्पेस में आर्मेंट स्पेस आर्मेंट की बात चल रही है रशिया ने अपना स्पेस आर्म फोर्सेज भी डिक्लेयर कर दिया है पाँचवीं तो इसलिए स्पेस डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है कंट्रीब्यूशन टू द इकनॉमी एंड द इंस्परेशन यूथ और डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल बेनिफिट तो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या होगा इंस्पायरिंग यूथ और जो जो डेवलपमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के, के मित्रा. मित्रा सेंड किया है मित्रा जो था ये मित्रा एक, मित्र जो है मित्र, हवा में मित्र की तरीके से जिसे ये रोबोट टाइप का था अनमैंड मित्रा जो व्योम स्पेस और मित्र मतलब फ्रेंड तो स्पेस में जो फ्रेंड है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम था जो हाफ ह्यूमनाइट था जिसे मिमिक क्रू एक्टिविटी इनसाइड द क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान यह जो डेवलप किया गया है बाय साइंटिस्ट जो हैं आईआईएससी के इन कोलैबोरेशन विद इसरो के साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जिसे एचएसएफसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो एचएसएफसी ये इनाग्रेट किया गया है जनवरी 2019 में अंडर इसरो के द्वारा टू कोऑर्डिनेट इंडियन स्पेस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दम्प्लीमेंट इम्पली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गगन यान प्रोजेक्ट ये इन्वॉल्व करेगा जितने भी ये इन्वॉल्व करेगा इन ऑल जितने भी एंड टू एंड मिशन है प्लानिंग जो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है इंजीनियरिंग सिस्टम और जो क्रिय क्रियू सर्वाइवल है इन द स्पेस क्रू सर्वाइवल जो है स्पेस में क्रू सेक्शन क्रू सेलेक्शन और जो ट्रेनिंग है और जो ट्रेनिंग है ऑल परस्यू एक्टिविटी फॉर सस्टेंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन उसके साथ ही ये एच एच एस एफ सी जो है ये टेक सपोर्ट ले सकता है ऑफ एग्जिस्टिंग जो इसरो सेंटर हैं इंप्लीमेंट करा सकता है फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट फॉर फ्लाइट ऑफ गगनयान अंडर एच एस पी काइंडली जो एच एस पी है वर्क कर रही है स्प्लिट अक्रॉस जो वेरियस सेंटर हैं जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम में यू आर राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इसरो जो है प्रपोज कर चुका है कंसोलिडेटेड एच एफ एच एस एफ सी जो इस्टेब्लिश करा गया है शाला किरी शाला कर्नाटका में यह हेल्प करेगा इंडिया को कि वो लाइफ ये हेल्प करेगा इंडिया की इन द लॉन्ग रन जो करेंटली इंडिया पे कर रहा है लार्ज मनी फॉर ट्रेनिंग और यूज कर रहा है तो रशिया में जो हम अपना ट्रेनिंग उतना पैसा बचा लेंगे फिर इसरोलाइट लॉन्च वाहकल डेवलप्ड बाई इसरो और पी एस एल वी और जीएसएल दो ही वाहकल हैं जो इंडिया लॉन्च करता है इनसे लॉन्च वाहकिल डेवलप्ड बाई इसरो पहला है पोलर पी एस एल वी पोलर सेटेलाइट लॉन्च वैकिल ये जो मेनली डिज़ाइन किया गया था डिलीवर करना जो अर्थ ऑब्जर्वेशन अर्थ पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन करने के लिए या फिर रिमोट सेंसिंग जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट थी लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ करना जो मास है अबाउट सत्रह सौ सत्रह सौ पचास किलो से लेके कर सत्रह सौ अबाउट जो सत्रह सौ पचास केजी टू सत्रह सो पचास साइनोक्रोनस साइन, साइनो सर्कुलर ऑर्बिट और, साइनोक्रोनस सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट ऑफ 600 से सौ किलोमीटर एल्टीट्यूड पे इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो जो क्या कहते हैं साइनोक्रोनस होता है साइनोक्रोनस में क्या होता है बिल्कुल अर्थ अर्थ जो होती है उसके इक्वेटर इक्वेटर जो होता है उसी इक्वेटर्स की ठीक ऊपर 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई पे ये जैसे अर्थ घूमता है उसी तरह ये भी घूमता है इसी तरह के इसे हम इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं या फिर रिमोट सेंसिंग कह रहे हैं पी जो है वो फोर स्टेज लॉन्च वाइक है इसमें चार स्टेज होती हैं पी जो है इसमें चार स्टेज लॉन्च वाइकिल हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग सॉलिड लिक्विड स्टेज होती है चार स्टेज में पहला सॉलिड फिर लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इसमें जो थर्ड जनरेशन लॉन्च वाहकिल है ये इसमें जो था ये थर्ड जनरेशन लॉन्च वाहकिल है इंडिया का और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया का लॉन्च वाहकल जो था वो इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज पहले वो जो बनाया गया था लिक्विड स्टेज का बनाया था लेकिन ये थर्ड थर्ड जनरेशन है लेकिन इसमें फोर स्टेज है जिसमें सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड है अब जियो साइनोक्रोनस जियो साइनोक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वाहकिल अभी देखिए ये पहला जो था पोलर सेटेलाइट लॉन्च वाहकिल पोलर सेटेलाइट जो होता है वो पोल ये जियो साइक्रोनस जो होता है ये अर्थ की जो इक्वेटर है इक्वेटर से अगर हम थोड़ा एलिप्स एलिप्स बनाएं थोड़ा उससे टिल्टेड जो होता है उसे जियो साइनोक्रोनस जियो साइनोक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वाहकिल कहते हैं अब जियो जी एस एल वी जो है ये डिज़ाइन किया गया मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सेटेलाइट जितनी भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट होती हैं जी एस एल वी जो डिज़ाइन किया है मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो हाईली एलिप्टिकल जो हाईली इलेप्टिकल होती हैं टिपिकली जैसे दो सौ पचास से छत्तीस हज़ार किलोमीटर तक ले जाना दो सौ पचास से छत्तीस हज़ार किलोमीटर तक ले जाना है तो जाइनो जियो साइनोक्रनस ऑर्बिट ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजते हैं दो वर्जनस हैं इसमें जी एस एल वी में जी एस एल वी मार्क टू एंड जी एस एल वी मार्क थ्री जी एस एल वी मार्क टू और जी एस एल वी मार्क थ्री जी एस एल वी मार्क टू जो है ये थ्री स्टेज वाइकिल है विद थ्री स्टेज वाहकल है थ्री स्टेज का वाहकल है जिसमें फोर लिक्विड स्टैप ऑनस हैं फर्स्ट स्टेज जो है इसमें सॉलिड मोटर सॉलिड रॉकेट मोटर सेकेंड स्टेज जो है इसमें लिक्विड फ्यूल और फिर तीसरी जो है उसे क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर्म करती है थर्ड स्टेज ऑफ द जी एस एल वी मार्क टू ये जो है इसके अंदर कैपेबिलिटी है लॉन्च करना जो सेटेलाइट टू लिफ्ट ऑफ मास लगभग ढाई हजार के जी का ये उड़ा सकती है लेकिन पी एस एल वी में सिर्फ आप सत्रह सौ पचास तक ले जा सकते हैं थे। लेकिन जीएसएल वी मार्क टू जो है पच्चीस सौ के जी को ले जा सकता है एल टी यू तक एल टी ओ मतलब एल्टी मतलब जियो 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 साइनोक्रोनस सा, 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 ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है कितना ढाई हजार के जी तक ढाई हजार के जी और जो सैटेलाइट अप टू पाँच हजार के जी पाँच हजार के जी तक ले जा सकता है जो सैटेलाइट है तो जो सेटेलाइट को लिफ्ट ऑफ मास टू एल ई ओ एल ई ओ तक और जो ये लो ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट पाँच हज़ार के जी तक ले जा सकता है अब जी एस एल बी मार्क थ्री जो है ये भी थ्री स्टेज वाहकल है लेकिन ये जो है इंडिजीनियस यहाँ ये इंडिजीनस ये इंडिजीनस क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन इसे सी ट्वेंटी फाइव कह रहे हैं लेकिन जो पहले वाला था उसे क्रायोजेनिक अपर स्टेज सी यू एस सिर्फ कह रहे हैं क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक अपर स्टेज इसमें क्या है क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन जिसे सी ट्वेंटी फाइव कहा जा रहा है इसमें भी विद टू सॉलिड फ्यूल इसमें दो सॉलिड फ्यूल स्टैप ऑन इंजन है इन द फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज में और लिक्विड प्रोपोनेंट कोर जो है सेकेंड स्टेज में तो पहले स्टेज में यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है जिसे स्टेप ऑन इंजन फर्स्ट स्टेज में दूसरे में लिक्विड पॉपुलेंट है और ये जो डिज़ाइन किया गया कैरी हैवियर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो चार हजार के जी इंटू द जी जो चार हजार के जी को ले जा सकते हैं जी टी ओ में और जो सैटेलाइट वेट लगभग दस हज़ार के जी जो है वो एल ई ओ में ले जा सकते हैं लेकिन मार्क टू जो था वो पच्चीस सौ ले जा सकता था जी टी ओ में और पाँच हज़ार जो ले जा सकता था जियो में अब यहाँ जस्ट डबल हो गया ये जो जी ई जी टी ओ में लगभग चार हज़ार ले जा सकता है और लगभग एल ई -E ओ में जो है वो दस हज़ार ले जा पाँच हज़ार से सीधे दस हज़ार ले जा सकता है इसमें जो इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक सी ट्वेंटी फाइव इंजन जो है ये हेल्प करेगा टू कीप फूल लोड ऑन द रॉकेट रिलेटिवली लो इससे क्या होगा जी सी जी सी ट्वेंटी फाइव इंजन जो है ये हेल्प करेगा जो फ्यूल लोड है जो फ्यूल का लोड है ऑन द रॉकेट रिलेटिवली लो हो जाएगा और इंडिया इंडिया, इंडिया ने अमंग सिक्स नेशन इंडिया ऐसा छः नेशन में से है जिससे अपार्ट फ्राम यू एस ए रशिया फ़्रांस जापान चाइना जो जो प्रोसेस करता है क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी स्मॉल एस 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 एल वी तो जी पी एस एल वी जी एस एल वी एक है एस एस एल वी सेटेलाइट लॉन्च वाहकिल ये जो लॉन्च वाहकिल है डेवलप किया है इसरो ने और पेलोड जो कैपेसिटी है इसकी पाँच सौ पाँच सौ के जी से लेके टू जो लर्थ एल एल ई में एल ई ओ लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है और तीन सौ के जी जो है वो ए, सन साइक्रोनस ऑर्बिट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सेटेलाइट ये जो है डेवलप किया गया था जिसका एम था लॉन्चिंग करना स्मॉल सेटेलाइट जो कॉमर्शली या फिर एट ड्रास्टिकली जो रिड्यूस प्राइस और हाइयर जो लॉन्च रेट है एज कम्पेयर टू तो जी एस एल पी एस एल वी ये डिज़ाइन किया गया इसरो के द्वारा विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर और ये एकोमोडेट करता है मल्टीपल सेटेलाइट एलबलिट स्मॉलर वंस अनलाइक जो पी एस एल वी और जी एस एल वी अनलाइक जो पी एस एल वी और जी एस एल वी एस एस एल वी जो है ये असेंबल्ड बोथ वर्ल्ड

था इंडिया का सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था और इसमें बेसिक जो कंपोनेंट थे और एलओआर या एलओआर या था कि एलओआर सॉरी ओएलआर ओएलआर ऑर्बिट ऑर्बिटर जो घूमेगा और लैंडर जो लैंडर जो लैंड करेगा जाके रोवर जो उसमें से लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर 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 घूमेगा जो वहीकल है तो ऑर्बिटर जो है ये ऑब्जर्व करेगा जो लूनर सरफेस है अर्थ की सॉरी मून की जो सरफेस है लूनर ऑब्जर्व करेगा जो सॉरी ऑर्बिटर जो है ये ऑब्जर्व करेगा जो लूनर सरफेस है और रिल, रिल, रिले करेगा जो कम्युनिकेशन बिटवीन अर्थ एंड चंद्रयान टू लैंडर ये क्या करेगा ऑर्बिटर ये अर्थ और जो चंद्रयान टू लैंडर है लैंडर उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन का काम करेगा लैंडर लैंडर जिसे विक्रम कहा गया विक्रम विक्रम ये हमारे विक्रम सारा भाई जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था तो विक्रम जो है विक्रम जो है लैंड करेंगे मतलब लैंड जैसे मनुष्य लैंड करता है उसी तरह विक्रम लैंड करेगा डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सोलर लूनर सरफेस जो रोवर है उसमें से निकलेगा कौन निकलेगा विक्रम के अंदर से विक्रम से क्या निकलेगा प्रज्ञान ज्ञान मतलब प्रज्ञान प्रज्ञान जिसका नाम रोवर मतलब प्रज्ञान ज्ञान निकलेगा और के अंदर से विक्रम मनुष्य के अंदर से ज्ञान निकलेगा तो ऐसे आप निकले निकले तो याद कर सकते हैं रोवर जो है वो प्रज्ञान जिसमें ये छः इसमें पहिए होंगे तीन इधर तीन इधर सिक्स वाइक व्हील्ड सिक्स व्हील्ड ए आई एम्पावर्ड आर्टिफिशियल एम्पावर्ड होगा वाइकिल विच विल मूव ऑन द लूनर सर्फेस जो लूनर सर्फेस में मूव करेगा परफॉर्म ऑन साइड केमिकल एनालिसिस अब लैंडर जो है लैंडर जो लॉन्च किया जाएगा बाय जियो ये लॉन्चर हम जिसे लॉन्च करा जाएगा चंद्रयान टू ये लॉन्च किया गया था जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहकल जी एस मार्क थ्री मार्क मार्क थ्री एम वन से ये जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्च लॉन्च लॉन्चर है टू अब आज तक और ये जो है कम्प्लीटली डिज़ाइन और फैब्रिकेटेड विद इन द कंट्री किया गया है सम नोटेबल जो फीचर थी चंद्रयान टू मिशन की फर्स्ट जो स्पेस मिशन था कंडक्ट ए सॉफ्ट ये पहला हमारा मिशन है जो कंडक्ट कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल हमें साउथ साउथ पोलर रीजन में कराना था फर्स्ट इंडिया का एक्सपेंडिशन है जो अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस विद होम होम ग्रोथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा फर्स्ट इंडियन मिशन था जो एक्सप्लोर करेगा लूनर तराइन जो है विद होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की फोर्थ कंट्री है आफ्टर जो आफ्टर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा ऑन द लूनर सरफेस पे यूएसए करा चुका है यूएसएसआर करा चुका है चाइना और इंडिया कराएगा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव थे कि डिमॉन्सट्रेट करना जो एबिलिटी है सॉफ्ट लैंड की ऑन द लूनर सरफेस और जो ऑपरेट करना जो रोबोटिक रोबोटिक रोवर है ऑन द सर्फेस रोबोटिक रोवर ऑन द सर्फेस सीक टू द इट सीक क्या फोस्टर न्यू एज ऑफ़ टेक्नोलॉजी न्यू एज ऑफ़ डिस्कवरी ये हमारे न्यू एज ऑफ़ डिस्कवरी जो होगी इंक्रीज़ करना जो इंक्रीज़ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी स्पेस के उसको समझना स्टमुलेट करना जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्टमुलेट करेगा जो हमारा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो रहा है प्रमोट करना जो ग्लोबल अलायंस हैं जो ग्बल प्रोमोट करेगा जो ग्लोबल अलायंस बनती हैं अलग अलग और इंस्पायर करना फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूचर जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिस्ट अब साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान टू जो साइंटिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान टू को ले मून जो प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट लिंकेज ऑफ अर्थ अर्ली हिस्ट्री अब ऐसा माना जाता है कि अर्थ और जो मून कभी आपस में क्या हुए एक ही कहते डंबल की तरह थे फिर मून जो है स्प्लिट हो गया अर्थ से इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अर्ली हिस्ट्री है जिसमें अर्थ और मून जो है लिंकेज जो है इसमें पता चल सकता है अगर हमें मून के केमिकल एनालिसिस कर लिए जाए अच्छे से तो मून प्रोवाइड कर सकता है बेस्ट लिंकेज जो है अर्थ की, की अर्ली हिस्ट्री ऑफर कर सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये ऑफर करेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ऑफ़ द इनर सोलर सिस्टम ऑफ द ऑफ़ द इनर इनर सोलर सिस्टम इनर सोलर सिस्टम सिस्टमेंट यह एविडेंस ला सकता है फॉर वाटर मॉलिक्यूल जो वन, जो study, जो डिस्कवर किए गए थे चंद्रयान रिक्वायर स्टडी है ऑन द एक्सटेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून चंद्रयान वन जो हमने लॉन्च किया था उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस करे थे उसी आगे की एनालिसिस करेंगे इसमें स्टडी करेगा जो न्यू रॉक टाइप टाइप्स होंगे वहाँ की जो रॉक है उसको स्टडी करेगा स्टडी करेगा न्यू रॉक टाइप्स विद यूनिक जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वाई एक्सप्लोर लूनर साउथ पोल क्यों हम साउथ पोल पर जाना चाहते हैं क्योंकि लूनर जो सरफेस एरिया है रिमेन इन शेडो वो शेडो में रहता है जो कि लार्ज मच लार्जर बड़ा है देन दैट एट द नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से बहुत बड़ा है साउथ पोल और साउथ पोल और साउथ नॉर्थ पोल से बहुत बड़ा है साउथ पोल और वो हमेशा शेडो रीजन में रहता है इसलिए जो पॉसिबिलिटी है प्रजेंस ऑफ द वाटर इज परमानेंटली शेडो एरिया अराउंड इट इसलिए पानी की पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है परमानेंट शेडो एरिया में हो सकती है एडिशन में जो सोलर साउथ पोल है रीजन हैज क्रेटर वहाँ पे क्रेटर्स हैं क्रेटर मतलब गड्ढे हैं छोटे छोटे दैट दैट आर कोल्ड ट्रैप जो कोल्ड ट्रैप होगी शेडो है तो ठंडे होंगे कंटेनर फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम इसलिए वहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड भी होने की संभावना है रिगोलिथ रिगोलिथ क्या है ट्रेसेज होती हैं हाइड्रोजन की जो रिगोलिथ है ये ट्रेसेस होती हैं हाइड्रोजन की अमोनिया की मीथेन की सोडियम की मरकरी की और सिल्वर मेकिंग मेकिंग ये रिगोलिथ जो है ट्रेसेस होती हैं हाइड्रोजन की अमोनिया की हाइड्रोजन की अमोनिया की मीथेन की सोडियम की मरकरी की और सिल्वर मेकिंग की इट एन अप टैब्ड अपटैब जो सोर्स होता है एसेंशियल रिसोर्सेज जो एसेंशियल और जो पोजिशनल एडवांटेज है मेक इट सटेबल पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन न्यूज़ जो है चंद्रयान वन चंद्रयान वन जो लॉन्च किया गया था इंडिया में इंडिया में ये अक्टूबर 2009 में अक्टूबर 2009 में लॉन्च किया था यूजिंग इसने यूज़ किया था पी एस एल वी पी एस एल वी सी वन सी इलेवन पी एस एल वी सी इलेवन लेकिन इस बार जो यूज इसने लॉन्च किया था 2019 में 2019 पूरे 10 साल बाद 2019 2019 में और ये जुलाई जुलाई में करा गया था और ये जो था जुलाई में करा गया था समथिंग 22 जुलाई 22 जुलाई को किया गया था और ये इसमें यूज़ किया था जी एस एल वी मार्क थ्री मार्क थ्री ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो चंद्रयान का लॉन्च करना प्रिपेयर करना एक थ्री डायमेंशनल जो एटलेस है बहुत जो नियर और फार साइड है मून की और उसके केमिकल मिनरोलॉजिकल और जो फोटोलॉजिकल मैपिंग है ऑफ मून finding of the Chandrayaan one. जो डिटेक्शन किया गया है वाटर का जो डिटेक्शन किया गया है वाटर का जिसमें मेजर फाइंडिंग जो थी वाज डिटेक्शन ऑफ वाटर वाटर और हाइड्रो ऑक्सिल हाइड्रो ऑक्सिल वाटर और हाइड्रो ऑक्सिल ऑन द सरफेस ऑफ मून और जो डेटा रिवील करता है इट प्रेजेंस इन द ए अबेंडेंस अराउंड जो पोलर रीजन है मागमा ओशन हाइपोथिस मागमा ओशन हाइपोथिस मागमा ओशन हाइपोथिस ये कन्फाइन करेगा जो ओशन मागमा हाइपोथिस है मून 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 वॉज वंस कंप्लीटली इन मोल्टेन स्टेट मून जो था कभी एक मोल्टेन स्टेट में था अब न्यू जो स्पिनल रिंग रिच रॉक है जो न्यू स्पिनल रिच रॉक है डेटा फ्रॉम चंद्रयान वन से हैव रिबील्ड टू डिटेक्शन डिटेक्ट किया गया था न्यू जो स्पाइनल रिच रॉक टाइप है ऑन द लूनर फार साइड एक्सरे सिग्नल डिटेक्टेड इसमें एक्सरे सिग्नल डिटेक्ट किया गया था ये डिटेक्ट कर रहा था एक्सरे सिग्नल ड्यूरिंग जो वीक सोलर फ्लेयर्स थी दस जो इंडिकेट करती थी प्रजेंस ऑफ द मैगनी मैगनीशियम मैगनीशियम एलोमोनियम मैगनीशियम एलमोनियम सिल्कन एग मैगनीशियम एलुमोनियम और कैल्शियम ऑन द लूनर सरफेस ऑन द लूनर सरफेस साथ में चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री जो है ये कंट्री का थर्ड लूनर मिशन हैज़ हाँ बीन अप्रूव्ड ये अप्रूव कर दिया गया है और इसमें जो लैंडर होगा रोवर होगा एक प्रोप प्रोपोल्यूशन प्रो मॉड्यूल होगा जो लाइकली अटेम्प्ट करेगा अनदर जो सॉफ्ट लैंडिंग है ऑन द लूनर सरफेस इस बार हमने लैंडर रखा है रोवर रखा है लैंडर रोवर रखा है और क्या कहते हैं एक प्रोपल्शन भी रखा है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ये मिशन जो है कॉस्ट लगभग इसका 600 करोड़ है और ये आल्सो ट्राई टू लैंड इन द लूनर साउथ पोल पे जैसे कि चंद्रयान टू का रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी 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 जो है ये रिसेंटली इसरो इस ने रिलीज़ किया है एक इमेज फ्रॉम द चंद्रयान टू से जो शो करता है मेजरमेंट जो मेजरमेंट शो करेगा फ्रॉम द मून जो कैरी आउट हुए हैं बाई इंस्ट्रूमेंट इमेजिंग फ्रेम इमेजिंग इन्फ्रा इमेजिंग इन्फ्रावेट स्पेक्ट्रोमीटर आई आई आर एस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऐसी टेक्निक होती है जो स्प्लिट कर देती है लाइट को स्प्लिट कर देती है लाइट को इनटू इस कॉन्सटूंट वेवलेंथ अपनी अपने वेवलेंथ में स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कहते हैं गामा रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं विजिबल रेज होती हैं इन्फ्राइट होती हैं माइक्रोवेव होती हैं और कहते हैं रेडियो वेव्स होती हैं तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है जो कॉन्सटुंट कॉन्सटूंट जो कॉन्स्टुंट वेवलेंथ होती हैं वो स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती हैं अब फॉर इंस्टेंस जो स्प्लिटिंग होती है वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टूंट कलर उसी बाय प्रिज्म उसी तरीके से जैसे जो प्रिज्म से सात कलर निकलते हैं उसी तरीके से जब लाइट जब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो स्प्लिट कर देती है लाइट को इंस्टू कॉन्स्टुंट वेवलेंथ में स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है टू सेपरेट कर दे और मेजर मेज़र करना जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट होते हैं ऑफ़ ए फिज़िकल फिनोमेना जो रिफ्लेक्टेड सोलर स्पेक्ट्रम है जो रिफ्लेक्टेड सोलर स्पेक्ट्रम है साइंटिस्ट विल लुक द लुक फॉर सिग्नेचर इन इंक्लूडिंग द ऑफ मिनरल्स यहाँ पर यह हेल्प कर सकता है मैप जो मैप और जो लूनर सरफेस कंपोजिशन है इन टर्न विल हेल्प कर सकता है एज अंडरस्टैंड द मून्स और मून्स ऑरजिन मून की ओरिजिन और जो इवोल्यूशन है इन्हें जियोलॉजिक टेक्स्ट में अगर हम मिशन पेलोड की बात करें मिशन पेलोड ऑर्बिटर पेलोड मिशन पेलोड और ऑर्बिटर पेलोड जो ट्रे, मैपिंग कैमरा इस मिशन मिशन जो क्या है इसमें मिशन पेलोड और जो इसमें ऑर्बिटर जो ऑर्बिटर करेगा जो घूमेगा उसमें क्या क्या रखा गया है पहला एक टेराइन मैपिंग कैमरा है जो टी एम सी टू कहा जा रहा है चंद्रयान टू जो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्से स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे क्लास कहा जा रहा है चंद्रयान लार्ज एरिया सॉफ्ट X-ray spectrometer. तीसरा है सॉफ्ट एक्सए मोनिटर एक्स एस एम और हाई रेजोल्यूशन कैमरा है ओ एच आर सी और डाउल फ्रिक्वेंसी एल एंड एस बैंड सिंथेटिक अपार्चर है रेडार डी एफ एस ए आर और इमेजिंग आई आर स्पेक्ट्रोमीटर आई आई आर एस और चंद्रयान टू जो है एटमोसफरिक जो कम एक्सप्लोरर है टू जिसे ए सी एच ए सी ई टू और डाउल फ्रिक्वेंसी रेडियो साइंसेस डी एफ आर सी जो विक्रम विक्रम प्लेलोड है जो विक्रम प्लेलोड है रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जिसे रंभा कहते हैं चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चह साइट कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी आईएलएसए जो प्रज्ञान प्लेलोड है जिसमें अल्फा पार्टिकल प्रज्ञान प्रज्ञान जो रोवर से रोवर से निकलेगा तो प्रज्ञान पार्टिकल जो इंड्यूस करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोप एक ए, ए पी एक्स एस लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो एल आई बी एस और पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट जो होंगे लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे एल आर ए अब जियो टेल जियो टोल न्यूज़ में रहा रिसेंटली जो चंद्रयान टू था जब डिटेक्ट कर रहा था चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को जब डिटेक्ट कर रहा था इन मून सॉइल मून की सॉइल में ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब ऑर्बिटल पैसेज थ्रो द जियो टेल जियो टेल क्या थी थी यहाँ पे देखा गया जब सन से सोलर विंड आ रही थी और जो हमारा लूनर ऑर्बिट था वो घूम रहा था किसके मून के अराउंग तब उस समय जो यहाँ पे छः दिन के अंदर छः दिन के अंदर एक देखने को मिला बो शॉक शुभ्रो शॉक जिस जिसे जियोटेल कहा जा रहा था अब यहाँ पे जो क्लास है क्लास चंद्रयान टू चंद्रयान टू लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक टाइप का क्लास एक इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान टू में जो डिज़ाइन कर रहा था टू डिटेक्ट करना जो सिग्नेचर है ऑफ एलिमेंट्स इन द मून सॉइल जब सिग्नेचर देख रहा था जो एलिमेंट्स थे मून सॉइल में तो मून सॉइल जो कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व वेन जब सोलर फ्लेयर प्रोवाइड ए रिच सोर्स ऑफ एक्सरे टू इल्यूमिनेट द सर्फेस इस ये जो मून 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 की जो सॉइल है वो बेस्ट ऑब्जर्व तभी हो सकती है जब सर सन से निकलने वाली जो किरणें हैं प्रोवाइड करें रिच सोर्स ऑफ एक्सरे टू एमुलेट जिससे इमोलेशन चमक उत्पन्न होगी सरफेस पे और ये जो हैप्पन होगा वन जब मून ट्रांसफर्स थ्रो जियोटेल जब मून जो है वो जियो ट्रांसफर ट्रेवर्स थ्रो जियो टेल जब वो जियो टेल से ट्रेवल करें और जियो टेल क्या है ये जो ज, ये जो रीजन है जियो टेल जब इस रीजन से अगर अगर करता है तभी ये हो पाएगा तो ये जो वंस एवरी ट्वेंटी नाइन डेज़ में मून ट्रेव हर उनतीस डे में मून जो है ट्रे ट्रेवर्स करता है फ्रॉम जियो टेल ऑफ अबाउट सिक्स डे छः दिन में कर छः दिन के लिए करता है व्हाट इज़ जियो टेल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म जो जब सन एमिट करता है सोलर विंड तब क्या होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में सन के जिसे कोरोना का कर, कोरोना कर, कहा जाता है अर्थ जो है जिसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑब्स्ट्रेक्ट करती है रोकती है दिस सोलर विंड प्लाज्मा और ये इंटरेक्शन रिजल्ट होता है इससे रिजल्ट इससे क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है एक मैग्नेटिक इन्वेल्प अराउंड अर्थ अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इन्वेल्प बन जाता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं अर्थ जब अर्थ ऑन अर्थ साइड फेसिंग द अर्थ अर्थ ऑन ऑन जब अर्थ की साइड फेस करती है सन की तरफ तो मैग्नेटो स्पीड कंप्रेस हो जाता है इन टू ए रीजन अप्रॉक्सिमेटली थ्री टू तो फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ और अपोजिट और साइड में जो इन्वलप होता है वो स्ट्रेच हो जाता है इन टू ए लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल की तरह ये एक्सटेंड हो जाता है बायोन्ड दून ऑर्बिट ऑफ द मून इसलिए इसको कॉल जियो टेल एन ए वी आई सी नेविक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी थ्री जी पी पी जो है डेवलप करा डेवलप कर रहा है प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल टेलीफोनी मोबाइल टेलीफोनी के लिए जो अप्रूव कर दिया गया इंडिया के रीजनल नेविगेशन सिस्टम के लिए एन ए वी आई सी ये जो स, 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 स्पेसिफिकेशन अप्रूवल है विल बूस्ट करेगा जो केमिकल यूज़ है केमिकल यूज़ है ए, केमिकल यूज़ है एन ए वी आई सी का बाई इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइस मार्कर्स हैं ये जो है मैन्युफैक्चर करेगा ये मैन्युफैक्चर करेगा कैन नाउ मास प्रोड्यूस नेविगेशन डिवाइस नेविगेशन डिवाइज कम्पे कम्पेटिबल विद एनी वीआईसी जिससे क्या होगा यू, यूज़र जो है य, य, दीज जो डिवाइस हैं इजिली एक्सेसिबल टू नेविक सिग्नल के लिए अब ये जो नेविक नेविक थ्री पी थ्री जी पी पी है ये ऑल्सो ब्रिंग नेविक टेक्नोलॉजी जिससे क्या होगा जो कॉमर्शियल मार्केट है जो यूज़ कर सकती है फोर जी फाइव जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडियन कंपनी जो स्टार्टअप हैव एन अपॉर्चुनिटी की वो डेवलप करें इंटीग्रेटेड सर्किट और जो प्रोड्यूस किया जाए प्रोडक्ट है बेस्ड ऑन नाविक अब जो एनआर आई आर एनएसएस तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजनल इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सेंटर जिसे नेविक आईसी कहा जाता है ये डिज़ाइन किया गया है यह डिज़ाइन किया गया है कि प्रोवाइड करे एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन और जो टाइमिंग सर्विसेज हैं टू यूजर इन द इंडिया इन इंडिया एज वेल एज जो रीजन एक्सटेंडिंग अप टू पंद्रह किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री इंडिया की बाउंड्री से लगभग पंद्रह किलोमीटर दूरी तक रियल टाइम जो पोजिशनिंग हो उसके बारे में पता चल इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता सकती, चीज़े सकती हैं पहला नेविगेशन टेलाइट जो नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन होता है उसके लिए सात सेटेलाइट जरूरी होती हैं तीन जियो स्टेशनरी के लिए जीईओ के लिए तीन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के लिए और चार जो होते हैं चार तीन सात आप देखिए जीईओ मतलब जियो जी, जी स्टेशनरी जियो स्टेशनरी एक होता है जियो साइनोक्रोनस जियो स्टेशनरी में क्या होता है जैसे इक्वेटर होता है उसी तरीके से हम सोचते हैं एक फिक्स लाइन जो है उसी पैरल में और जियो साइक्रोनस में क्या होता है उससे थोड़ा टिल्टेड होती है इंक्लाइंड जो जियो साइक्रोनस होती है इंक्लाइंड एट ट्वेंटी नाइन डिग्री एट द इक्वेटर ईच सेटेलाइट जो है थ्री रिबू रिबी रिबीडियम अटामिक क्लॉक्स होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं एकूरेट जो लोकेशनल डेटा है ये इट विल प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज पहला स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस के बारे में पता चल सकता है जो मेंट फॉर ऑल यूजर्स और दूसरा जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो पहला स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है ये सभी मेंट फॉर ऑल यूजर जितने भी लोग हैं वो यूज कर सकते हैं और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस ये इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड सर्विस होती है इंक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइड ओनली टू ऑथोराइज यूजर जो मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हीं को इनक्रिप्टेड मतलब मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसी एप्लीकेशन ऑफ आई आर एन एस 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 एरिया ये जो आई आर एन एस एस जो एरिया है ये टेरिटोरियल तो, ये टेरिटोरियल एरिया मैरीन नेविगेशन डिजास्टर मैनेजमेंट वहीकल ट्रैकिंग और जो फ्री, फ्लीट जो फ्लीट मैनेजमेंट होता है प्राइस साइज टाइमिंग मैपिंग और जियो द, जियो डेल्टिक डेटा कैप्चर करता है टेरिस्टेरियल नेविगेशन और एयर फॉर द हाइक्स एंड जो ट्रेवलर्स होते हैं जो विजुअल वाइस नेविगेशन फॉर द ड्राइवर्स जब अमेरिकन वाइल जो अमेरिकन जीपीएस होता है जिसमें चौबीस सेटेलाइट्स होती हैं इन ऑर्बिट और जो नंबर होता है सेटेलाइट से, से, विजिबल जो ग्राउंड रिसीवर ग्राउंड को रिसीव करता है इस लिमिटेड इन आई आर एन एस एस जो फोर सेटेलाइट हैं ये ऑलवेज जियो जियो साइक्रस ऑर्बिट्स होती हैं हैंस ऑलवेज विजिबल टू रिसीवर इन ए रीजन पंद्रह सौ किलोमीटर अराउंड अगर इससे देखें तो तीन जो है हमारी वो जो है जियो स्टेशनरी में ब्लैक वाली हमारी जियो स्टेशनरी में है और चार जो है वो जियो साइक्रोनस हैं जो ऑर्बिटर के ऊपर दो और ऑर्बिटर और के नीचे दो इस तरीके से रियल पोजीशनिंग पता चल जाती है अब अराउंड थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है थ्री जी पी पी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है थ्री जी पी पी ये, यून, ये यून, यूनिट है साथ, साथ टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ए आर आई बी ए टी आई एस सी सी एस ए टी एस आई एस डी एस आई टी टी ए और टी, -टी जो है प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट जो है कवर करेगा जो सेलुलर टेली कम्युनिकेशन है जो सेलुलर टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं इंक्लूडिंग जिसमें रेडियो एक्सेस होना चाहिए जिसमें रेडियो एक्सेस कोर नेटवर्क और जो सर्विस कैपेबिलिटी है रेडियो एक्सेस कोर नेटवर्क और जो सर्विस कैपेबिलिटी है जो प्रोवाइड करेंगे कम्पलीट सिस्टम कम्प्लीट सिस्टम डिस्क्रिप्शन फॉर द मोबाइल टेली कम्युनिकेशन अब जो थ्री जी पी पी है करेंटली हैज ग्लोबल नेविगेशन नविगेटेलाइट जिसमें ग्लोबल नेविगेशन नविगेटेलाइट सिस्टम है जो सपोर्ट करेगा फ्रॉम बी डी एस चाइनीज जेलियो यूरोपियन जी एल ओ एन ए एस जो नासा का है रशिया का है और जी जो यू का है फॉर द सेलुलर पोजिशन सिस्टम तो ये सेलुलर पोजिशन जी जो है यू का है रशिया का ग्लोनास है और जो जेलियो जो है यूरोपियन का और चाइनीज़ का बी डी एस अब जो रिलेटेड न्यूज़ नेविक एलाइड सिस्टम ऑफ़ यू एस रिसेंटली यू जो है यू एस कॉन्ग्रेस ने एग्री किया है कि वो डिजिग्नेट करेगा इंडिया के नेविक आई एस को एलाइड नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम एलॉन्ग एलॉन्ग विद जिसमें जेलियो जेलियो जैल, जैल, यूरोपियन का और जलेपियो जलियो यूरोपियन यूनियन का और क्यूजेड एस एस जो है जापान का यूएस डिजिग्नेट करेगा रशिया यूएस जो है डिजिग्नेट कर चुका है रशिया के ग्लैन का और चाइनीज बोडियो बॉयडियो एज एज ए नॉन एलाइड सिस्टम उसे नॉन एलाइट सिस्टम घोषित कर चुका है और इंडिया जो है वो एलाइट में आ रहा है इसका मतलब वो इट मीन्स जो यूएस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है नॉट कॉर्पोरेट और एक्सचेंज डेटा विद दिस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अब जो डेजिगनेशन है डेजिग्नेशन ऑफ इंडियाज़ नाविक जो है ये एलाइट सिस्टम के साथ ये पार्ट हो जाएगा अमेरिकन एफर्ट टू डेवलप करना जो प्रोटोटाइप प्रोग्राम है फॉर मल्टी ग्लोबल नविगेशन सेटेलाइट सिस्टम एन जी एन एस एस रिसीवर डेवलपमेंट जो मल्टी जी एन एस एस रिसीवर है ये सिस्टम जो एबल करेगा कैलकुलेट पोजिशन पोजिशन वेलोसिटी और जो टाइम बाय रिसीविंग जो सेटेलाइट सिग्नल्स हैं ब्रॉडकास्टेड फ्राम मल्टीपल मल्टीपल जो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है ये हेल्प करेगा अचीव करना जो हाई पोजिशनिंग हाई पोजिशन एक्यूरेसी है विद विद इंक्रीज नंबर ऑफ सेटेलाइट कंपेयर टू जी पी एस ओनली पोजिशनिंग जी सेट थर्टी जी सेट थर्टी जो है ये लॉन्च की गई सक्सेसफुली और जो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट जी सेट थर्टी है जिसका वेट थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन तीन हजार तीन सौ सत्तावन के जी है जो सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी जियो साइक्नस ट्रांसफर ऑर्बिट में फ्रॉम कोरू लॉन्च बेस से जो फ्रेंच ग्वेना में बाय लॉन्च एरी एरियन एरियन फाइव एरियन फाइव वी ए टू फिफ्टी वन इसरो ने हायर किया था फॉरन लॉन्चर एज इट्स प्लान टू सेव मार्क मार्क थ्री मार्क जी एस एल वी मार्क थ्री को फॉर अपकमिंग जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान है और टू प्रोसीडिंग जो लेस ट्रायल्स थे जी एस एल वी जो है थर्टी ये सर्व कर रहा है रिप्लेसमेंट जो जी सेट फोर ए को जी सेट फोर ए जो काम करना लगभग खत्म ख़त्म हो जाएगा इसका इसीलिए जी सेट थर्टी गया है जो सर्व करेगा इनहेंस कवरेज जी सैट फोर ए जो था ये लॉन्च किया गया था 2005 में और ये जो यूज़ किया जाता था केबल जो ऑपरेटर्स थे जो ब्रॉडकास्ट बोर्ड कर रहे थे देआर प्रोग्रामेबल एब्रॉड जो सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा था इंडियन मेन लैंड और जो इन, आ, 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 लैंड जो कवरेज थी इन को क्यू यू बैंड जो और एक्सटेंड कर रहा था कवरेज इन सी बैंड कवरिंग जो गल्फ़ सेटेलाइट्स थी गल्फ़ कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ एशियन एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलियन ये प्रोवाइड करेगा डी टी एच डी टी एच टेलीविज़न सर्विसेज डिजिटल सेटेलाइट न्यूज़ और गैदरिंग गैदरिंग डी एस एन जी ई e, जो गवर्नेंस एप्लीकेशंस हैं उसके बाद ये सैटेलाइट जो है ऑल्सो यूज़ की जाएगी बल्क डेटा जो ट्रांसफ़र है फॉर ए होस्ट ऑफ द इमर्जिंग जो टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन तो है। एप्लीकेशनस हैं इंडिया जो इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंक्लूड इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है इंक्लूड करेगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट सैट इन सीरीज़ जिसमें इनसेट सैट फोर बी आएगा इनसेट सैट फोर बी और इनसेट फोर सी आर इन फोर बी और इनसेट फोर सी आर ई टी सी और जी सैट सीरीज़ जो है जी Set six seven eight ETC Jiminy. जिमनी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गगन गगन इनेबल्ड मैरीनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन जिमनी डिवाइस ये सैटेलाइट बेस्ड एडवर्सरी सर्विस है फॉर डीप सी फिशरमैन के लिए गगन गगन जो है ये स्टैंड फॉर जीपीएस एडेड जीपीएस एडेड जीपीएस एडेड जी ई नेविगेशन जी एडेड जी पी नेविगेशन ये डेवलप की गई है बाई ए के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और इसरो के द्वारा यह जो सिस्टम है इंप्रूव करेगा जो है ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम और रिसीवर जो है बाय जो प्रोवाइड करेगा रेफरेंस सिग्नल्स ये फर्स्ट है वर्ल्ड में जो सर्टिफाइड uh, हुआ है फॉर द अप्रोच फॉर द अप्रोच विद वर्टिकल जो गाइडेंस है ऑपरेटिंग इन दियलो स्फेरिक रीजन में ये कंसिस्ट करेगा थ्री जियो साइक्लोनस सेटेलाइट जो हैं जी सेट एट जी सेट टेन जी सेट फिफ्टीन जी सेट एट जी सेट टेन जी सेट फिफ्टीन कवर करेंगे जो इंटायर इंडियन ओशन को अराउंड द क्लॉक और ये कवर करेगा इंटायर एरिया जो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका रिसेंटली जो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है रियल टाइम ट्रेन जो इंफॉर्मेशन सेंटर है ये डेवलप्ड हुआ है बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हेल्प करेगा मॉनिटर करेगा प्रिसाइज जो स्पीड है और जो मूवमेंट है थ्रू आउट द जर्नी और यूज करेगा गगन टू ट्रांसमिट सिग्नल अब जिमनी जिमनी जो है ये डेवलप किया गया है टू डिडीसेमिनेटलेस सीमलेस सीमलेस और इफेक्टिव जो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ऑन डिजास्टर वार्निंग जो पोटेंशियल फिशिंग जोन है पोटेंशियल फिशिंग जोन और जो ओशन स्टेट फॉरेस्ट है ओशन फॉरेस्ट स्टेट टू द फिशरमैन तो ये जो है ये डेवलप किया जा रहा है जिससे डिसेमिनेट हो सके स्टीम लाइन इफेक्टिव इमरजेंसी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बता सके जो डिजास्टर बॉर्डिंग के टाइम पे और पोटेंशियल जो फिशिंग जोन्स हैं पोटेंशियल फिशिंग जोन्स जो हैं और ओशन स्टेट फोर फो, फो कास्ट टू फिशरमैन ये जो है डेवलप की जा रही बाई इंडियन नेशनल सेंटर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ये ये डेवलप की जा रही है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जिसे आईकोसिस कहा जा रहा है आईकोसिस एक एटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइज और एयर एयर एयरपोर्ट एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया ये जो डिवाइस रिसीव करेगी और ट्रांसफर करेगी डेटा फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द गगनयान यान सेटेलाइट टू द मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन ये कंसोनेंस विद एन एफर्ट विद एन एफर्ट टू अचीव विद विध एन एफर्ट टू अचीव ब्ल्यू रेवोल्यूशन जैसे ब्लू रेवोल्यूशन और साथ में मीरा कुमारी जो है कमेटी मीरा कुमारी जो कमेटी है रिकमेंड करेगी ऑप्टिकम यूटिलाइजेशन हो सके एक्सक्लूसिव एक्नॉमिक जोन एक्सक्लूसिव एक्नॉमिक जोन जो होता है ये ये होता है बाईस बाईस नोटिकल से तीन सौ सत्तर नाट किलोमीटर फ्राम द कोस्ट बा, बिटवीन बाईस बाईस बारह नाटिकल माइन्स जो होता है वो कंटीजी कॉन्टीनेंटल शेल्फ उसके बाद बारह और जो कंटीजिनस उसके बाद जो आता है वो जो होता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन जो होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने लॉन्च किया है पी एफ जेड पी एफ जेड पी एफ जेड फोरकास्ट न्यूली जो डेवलप्ड कोर्सेज जो प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड करेगा एडवर्सरीज है ऑन पी एच एड पोटेंशियल फिशिंग जोन जो है टू फिशरमैन थ्री डे इन एडवांस तीन दिन एडवांस में बता सकता है जो सेटेलाइट बेस्ड पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइसरी है ये मेड अवेलेबल बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस इन ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर नेशनल इंडियन नेशनल सेंटर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो डेली बेसिस पे इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज टू तो द फिशिंग कम्युनिटी को पी एफ जेड पोटेंशियल फ़िशिंग जोन जो है एडवर्सरी ये हेल्प करेंगी इंक्रीज होगी जिससे फ़िश कैच जो है दो से पाँच गुना और रिड्यूस करेंगी जो सर्च सर्चिंग टाइम इधर उधर सर्च करते थे उसको घटेगा अबाउट थर्टी से सेवनटी परसेंट जो लीड कर सकता है हमारी सेविंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंडियन इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम आर डी आर एस एस ये इंडिया, इंडिया प्लान कर रहा है फॉर इट्स ओन की स्पेस टू स्पेस जो ट्रैकिंग है और जो कम्युनिकेशन ऑफ इट्स जो स्पेस एसेट हैं दिस ईयर बाय पुटिंग अप न्यू सेटेलाइट कॉल्ड इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम आई आर आई डी आई डी आर एस एस आई डी आर एस एस ये सेट करेगा टू आई डी आर एस एस सेटेलाइट जो प्लेस करेगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इनेबल करे इनेबल करेगा सेटेलाइट टू सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर डेटा ये जो ट्रैक करेगा सेंड और रिसीव करेगा जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इंडियन सेटेलाइट इन द पर्टिकुलर थ्रो इन लो इन लो अर्थ ऑर्बिट एल ई ओ जो है लिमिटेड कवरेज ऑफ अर्थ ये आल्सो भी यूजफुल ये यूजफुल हो सकती है इन मोनिटिंग लॉन्चेस और बेनिफिटिंग जो क्रू क्रू मेंबर थे ऑफ द गगनयान मिशन इंश्योर करना जो मिशन कंट्रोल थ्रू आउट द ट्रेवल ये जो है इट इज़ आल्सो इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर स्पेस डॉकिंग ये जो है सिग्निफिकेंट होगी स्पेस डॉकिंग डॉकिंग स्पेस स्पेस स्टेशन एज वेल एज जो डिस्टेंट डिस्टेंट टू द मून मास एंड वीनस ये विल विलसो ये जो है रिड्यूस कर देगी जो डिपेंडेंस है ऑन द ग्राउंड स्टेशन ये रिड्यूस कर देगी जो ग्राउंड स्टेशन इन ट्रैकिंग सेटेलाइट इन ट्रैकिंग सेटेलाइट जो फर्स्ट सैटेलाइट है लॉन्च किया गया था 2020 में ये फर्स्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च करा जाएगा 2020 में एंड में और सेकेंड जो है 2021 में इंडिया ज्वाइन कर चुका है यूएस को चाइना जापान यूरोप हु ऑलरेडी हैव सच डीआरएस सिस्टम का, कार्टू सेट थ्री कार्टू सेट थ्री इसरो ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया था कार्टूसैट थ्री और तेरह जो कॉमर्शियल नैनो सेटेलाइट थी कार्टोसाइट थ्री और तेरह जो कॉमर्शियल नैनो सेटेलाइट थी फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से ये कैरटोसाइट थ्री सेटेलाइट जो है थर्ड जनरेशन एजाइल एडवांस सेटेलाइट है कार्टोसाइट थ्री सेटेलाइट जो है ये थर्ड जनरेशन एजाइल एडवांस सेटेलाइट है जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी है और मिशन लाइफ जो है इसकी कैरटोसाइट थ्री की ये पाँच साल की है और ये फॉलो करेगी ये फॉलो कर ये फॉलो करेगी जो एडिशनल सेटेलाइट ऑफ द सेम डिज़ाइन नेमली जो कैटोसैट थ्री ए और थ्री बी जो नेक्स्ट ईयर हैं ऑर्बिट टाइप ऑर्बिट सन साइक्नस और, और पोलर ऑर्बिट्स एस एस पी ओ एट एटीट्यूड फाइव हंड्रेड नाइन किलोमीटर एस एस पी ओ जो है और आर एस एस पी ओ जो हैं ये पोलर ऑर्बिट हैं जो साइनोक्रोनस विद द सन और ये जो दीज ऑर्बिट्स हैं अर्थ सरफेस जो है एलुमिनेटेड बाई द सन एट द सेम एंगल वन व्यू फ्राम द सेटेलाइट तो लॉन्च वाहकल जो है पी एस एल वी फोटी सेवन से और नैविगेट करेगा फर्स्ट टाइम जो यूज़ करेगा जो विक, इंडिजिनस विक्रम प्रोसेसर है डिज़ाइन किया गया है बाय द इसरो और फेब्रिकेटेड विद द कंट्री जो विक्रम प्रोसेसर है यूज किया जा रहा है रॉकेट नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल एंड आल्सो फॉर जनरल जो इंक्रीज यूजर डिमांड फॉर लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कोस्टल लैंड यूज और जो लैंड कवर है यह यूज करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम यह यूज करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम लाइक साइक्लोन जैसे फ्लड हो गए मैपिंग मॉनिटरिंग लैंडस्लाइड मैपिंग और जो मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर ड्राफ्ट और जो फॉरेस्ट फायर अर्थ को ये एक्सपेक्ट किया गया है कि टू हेल्प इन मिलिट्री मिलिट्री रिकनसनेंस एंड मैपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैटोसाइड सेटेलाइट जो है ये अर्थ ऑब्जर्वे अर्थ की ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है मेनली जो लार्ज स्केल जो मैपिंग होती है ऑफ अर्थ थ्रू हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा ये हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में जो चेंजेस इन द नेचुरल जियोग्राफिकल और मैनमेड फीचर्स प्रीवियस जो लॉन्च हुए प्रोवाइड कर रही थी इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस कार्टोसेट टू जो था लॉन्च किया था दो हजार सात में पहला दो हजार पांच में दूसरा दो हजार सात में जो इंक्रीज हो रहा था इमेजिंग रेजोलूशन टू वन मीटर और ये जो सिक्स मोर स्पेस क्राफ्ट डिजिग्नेटेड कार्टोसाइट टू ए जो टू एफ ये बिलीव करा जा रहा है टू बी जो पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं फॉर मिलिट्री रिकनसनेस जो अदर सेटेलाइट लॉन्च हैं अलोंग अलोंग साइड कार्टोसाइट थ्री जो तेरह कॉमर्शियल जो नैनो सेटेलाइट हैं तेरह कॉमर्शियल जो नैनो सेटेलाइट हैं फ्राम यूएसए वर ऑल्सो सक्सेसफुली इंजेक्टेड इन टू डिजिगनेटेड ऑर्बिट और इसमें बारह जो सुपर ड्रोव अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट हैं जो जिसे फ्लॉक फोर पी फ्लॉक और जो कम्युनिकेशन टेस्ट बेस्ड सैटेलाइट हैं जिसे मश बेड मश बेड कहा जा रहा ये है ये सैटेलाइट जो लॉन्च की गई हैं अदर अदर जो कमर्शियल कमर्शियल जो अरेंजमेंट है विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एस एस एन एस एल एन एस आई एल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और जो कमर्शियल आम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रीसेट टू रीसेट टू बी आर वन रीसीट टू बी आर वन जो पोलर सेटेलाइट वा, लॉन्च वाहकल है ये मार्ग एट गोल्डन गोल्डन जुबली लॉन्च बाय इंजेक्टिंग इंडिया का एडवांस रेडार इमेजिंग सेटेलाइट रीसीट टू बी आर वन और जो नाइन अदर जो कस्टमर सेटेलाइट इंटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट ऑन बोर्ड पी एस एल वी सी फोर्टी एट फ्रॉम द श्री हरिकोटा जो रीसेट टू बी आर वन है ये रीसेट टू आर बी वन जो है सेकेंड रेडार इमेजिंग सेटेलाइट है इन इन द दट इन रीसेट टू बी सीरीज़ और ये अलॉन्ग विद एलॉन्ग विद जो कैटोसीट थ्री है ये ग्रुप ये पार्ट है ग्रुप ऑफ सेटेलाइट जो बूस्ट करेगा इंडिया की अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट फ्रॉम स्पेस रीसेट टू आर री टू बी आर वन जो है ये पावरफुल रिजोल्यूशन अलाउ करेगी टू ऑब्जेक्ट जो सेपरेटेड हैं बाय 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तो ये रीसेट टू आर बी वन जो है पावरफुल रेजोल्यूशन है इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट अगर 35 सेंटीमीटर की दूरी पे भी रखे हैं तो ये डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर लेगी विल कवर अ स्वेथ ऑफ पाँच से दस किलोमीटर रिसेट सेटेलाइट जो है इक्विप्ड विद द सिंथेटिक जो अपार्चर रेडार है जो टेक पिक्चर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग डे डे और नाइट दोनों में अंडर अंडर क्लाउडी कंडीशंस में पता कर लेगा तो सेटेलाइट जो हेल्प करेगी एग्रीकल्चर में माइनिंग में और जो फॉरेस्ट्री जो माइनिंग है उसको हम मैप कर पाएंगे फॉरेस्ट्री कोस्टल मैनेजमेंट कर पाएंगे और जो सॉइल मॉनिटरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इन सबको हम कर पाएंगे और सॉइल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सपोर्ट कर सकते हैं और राउंड अलोंग द क्लॉक जो बॉर्डर सर्विलांसेस हैं उसमें भी देख सकते हैं कौन इधर उधर ट्रांसबाउंड्री ट्रांसमिशन जब होता है और इसके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सैटेलाइट जो है मिशन ऑफ लाइफ मिशन लाइफ फॉर फाइव ईयर इसकी पाँच साल तक मिशन लाइफ रहेगी पास्ट डिगेट में इसरो जो है लॉन्च कर चुका है दो ऐसी सेटेलाइट रिसेट सीरीज़ की और इसकी बिगनिंग दो में हुई थी विद द इसराइल इसराइली बिल्ट इसराइल के द्वारा बिल्ट रीसीट टू और जो सेकेंड थी वो से, रीसीट वन दो में रीसीट वन जो है इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनल रीसीट वन अब काम नहीं कर पा रही रीसीट टू जो है वो मिलिट्री सैटेलाइट जो फास्ट ट्रैकिंग आफ्टर मुंबई बाय टेररिस्ट इंसिडेंट जो हुआ था जो बूस्ट करेगा सर्विलास कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज साथ में ये क्या कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया न्यू स्पेस इंडिया क्या है ये इसरो इनऑर्गनेट कर चुका है जो फर्स्ट कॉमर्शियल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो एन एस आई एल बेंगलुरु में ये इनकॉर्पोरेट करेगा जो कॉमर्शली यूटिलाइज्ड यूटिलाइज रिसर्च और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कैरी आउट बाय इसरो और विद एन आर्थराइज़्ड जो शेयर कैपिटल है ऑफ़ हंड्रेड करोड़ और जो इनिशियल जो इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ टेन करोड़ मेन जो ऑबजेक्टि ऑब्जेक्टिविटी है ऑफ एन एस आई एल टू स्केल अप टू स्केल अप इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इंडियन स्पेस प्रोग्राम और एज इट विल एक्ट एज़ एन एग्रीगेटर एग्रीगेटर फॉर स्पेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इन द इंडस्ट्री और जो डेवलप प्राइवेट जो इंटरप्रीनियोर है इन द स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो मैनुफेक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है जो मैनुफेक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है ऑफ स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वहीकल और जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च वहीकल हैं थ्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म ये कैटर करेगा टू टू ये कैटर करेगा टू इमरजिंग टू इमरजिंग ग्लोबल जो कमर्शियल एसएसएलवी मार्केट डिमांड डिमांड बाई प्रोवाइडिंग सेटेलाइट बिल्डिंग और सेटेलाइट बेस्ड जो सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग जो सप्लाई ऑफ सब सब सिस्टम फॉर वेरियस जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल एप्प्लीकेशन नीड्स थी अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एं, एंट्रिक्स एंट्रिक्स क्या है एंट्रिक्स एक कॉमर्शियल आर्म है जो इसरो हेडक्वार्टर इसका है इन बेंगलुरु जो प्रमोट करेगा जो कॉमर्शली मार्केट है ऑफ मार्केट जो है प्रोडक्ट और जो सर्विसेज इन इन, इन इमेन फ्रॉम इंडियन स्पेस प्रोग्राम ईयर दो में जो कंपनी एवॉल्ट करी थी मिनी रत्न इस्टेटस को मिनी रत्न इस्टेटस का दिया गया है अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मिशन समझेंगे जो इम्पॉर्टेंट मिशन है क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट उम्पॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं मिशन पहले आदित्य वन मिशन आदित्य वन मिशन जो है ये इम्पॉर्टेंट मिशन प्लान किया गया है 2021 के लिए जो स्टडी करेगा सोलर सोलर कोरोना सर सन की जो कोरोना है उसकी स्टडी करेगा स्पेसक्राफ्ट विल बी विल बी प्लेस्ड इन दैलो ऑर्बिट में अराउंड अर्थ सन अर्थ लैंगेरियन पॉइंट जो सन और अर्थ सन और अर्थ के बीच में जो लैंगेरियन पॉइंट्स हैं अबाउट वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इसरो जो फर्स्ट साइंटिफिक जो एक्सपेंडिशन एकस, है स्टडी करेगा सन को टू बी लॉन्च अर्ली ने ईयर चार सौ का क्लास सेटेलाइट जो है चार सौ के का क्लास सेटेलाइट ये लॉन्च किया जाएगा यूजिंग जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च वहीकिल है सात प्लेलोड जो है ऑन बोर्ड जो स्टडी करेंगे सन के कोरोना सोलर एमिशन सोलर विंड एंड जो फ्लेयर्स हैं और जो क्रोनल मास इंजेक्शन हैं विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग द सन इसके साथ साथ जो आल्टोसेटोसेट आल्टोसेट आल्टो आल्टो जो है फर्स्ट इंडियन आर्टोसेट फर्स्ट इंडियन मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कंप्लीट करेगी फोर इयर्स जो कंप्लीट करेगी अपनी फोर इयर्स इन ऑर्बिट इन सेप्टेम्बर 2019 ये इनेबल करेगा जो साइमल्टेनियस जो मल्टी वेवलेंथ लेंथ हैं ऑफ वेरियस जो एस्ट्रोन एस्ट्रोनिकल ऑब्जेक्ट हैं विद ए सिंगल सेटेलाइट ये जो स्मॉलर वर्जन नासा के हबल ये जो स्मॉल वर्जन है जैसे नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसमें पांच प्लेलोड होंगे पहला यू वी यू वी आई टी अल्ट्रा वायल्ट इमेजिंग टेलीस्कोप दूसरा होगा एल ए एक्स पी सी जिसे लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर कहा जा रहा है एस एक्स टी सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप और सी जेड आई टी कैडियम जिंक रूथाइल इमेजर और एक होगा एस एस एम जिसे कहा जा रहा है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर जियो इमेजिंग जियो इमेजिंग सेटेलाइट जी जी सेट वन कहा जा रहा है ये प्लान इंडिया की इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी अर्थ की ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो फैसिलिटेट करती है कंटिन्यूस जो ऑब्जर्वेशन ऑफ़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो क्विक मॉनिटरिंग करती है ऑफ नेचुरल जो हजार्ड्स और डिज़ास्टर होते हैं ये पहली ये, ये ये जो है विल बी फर्स्ट ऑफ टू जो प्लान इंडियन इंडियन अर्थ ऑबजर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट जो भी प्लेस्ड है इन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अराउंड छत्तीस हजार किलोमीटर एक्स एक्सपो सेट एक्सपो सेट एक्स रे पॉली पॉलीमीटर जो सेटेलाइट है ये प्लान डेडिकेटेड मिशन है स्टडी करना जो पोलराइजेशन है ये स्पेसक्राफ्ट जो है कैरी पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट ले जाएगा इन एक्सरे प्लेलोड में जो स्टडी करेगा जो डिग्री और जो एंगल है पोलराइजेशन के ऑफ ब्रिंग एक्सरे जो सोर्सेज इन द एनर्जी इन द एनर्जी रेंज लगभग पाँच से थर्टी पाँच से थर्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सेटेलाइट का मिशन है लाइफ वो पाँच साल है ये प्लेस करी गई है सर्कुलर सात सौ से सात सौ से पाँच सौ से सात सौ किलोमीटर की ऑर्बिट में और ये स्टडी करेगी जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो सुपर नोवा सुपर सुपर सुप सुपरनोवा रिमिनेंट्स और जो पल्सर्स हैं रीज, रीजन अराउंड द ब्लैक होल्स अदर प्लेनेटरी जो मिशन है जिसमें सुकर्ण्य सुकर, सु, सु, वन जिसे विनुशियन वी, मिशन कहा जा रहा है जो प्लेस करेगा ऑर्बिटर को टू वीनस जो स्टडी करेगा जो सरफेस के एटमॉस्फेयर की ऑफ वीनस वीनस के लिए मंगलयान मंगलयान यान टू जो है मंगलयान टू ये इंडिया का सेकेंड इंटरप्लानटरी मिशन मिशन है जो प्ले प्ला, प्लान करा जा रहा है कि लॉन्च किया जा जाएगा मार्स के लिए निसार निसार जो है न, नासा का नासा और इसरो का नासा और इसरो का सिंथेटिक अपार्चर निसार सिंथेटिक अपार्चर रेडार जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन कॉम्प्लेक्स डौ, uh, रेंजिंग है फ्रॉम इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेज आइस शीट कोलैप्स और जो नेचुरल हजार इंक्लूडिंग जो अर्थक्वैक और सुनामी वॉलोज और लैंडस्लाइड हो रही निसार जो है ये डाउल फ्रिक्वेंसी एल बैंड एल बैंड और एस बैंड रेडार मिशन है विल, विल मैप 12 डे फ्रॉम द टू डायरेक्शन यूनी स्पेस यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असम्बली एंड ट्रेनिंग यूनी स्पेस यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इसरो लॉन्च कर चुका है इस कैपेसिटी बिल्ड करेगा एक प्रोग्राम ऑन नैनो सेटेलाइट नैनो सेटेलाइट नैनो सेटेलाइट नैनो सेटेलाइट डेवलपमेंट नेम्ड उनति उनती इसका नाम दिया गया जो इनिशियेटिव है कॉमोरेट करेगा पचासवीं यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की ऑन एक्सप्लोरेशन जो पीसफुल यूज़ किया जा रहा है आउटर स्पेस इसको स्पेस प्लस फिफ्टी नाम दिया गया यह प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं टू स्ट्रेंथ करें इन द असेंबलिंग असेंबलिंग इंटीग्रेटिंग और जो टेस्टिंग ऑफ द नैनो सेटेलाइट स्पेस 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 टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी सेल इसरो जो है सेटअप करेगा पांच स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स एस टी सी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बॉम्बे खड़गपुर कानपुर मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ज्वाइंट जो रिसर्च प्रोग्राम है सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे जो कैरी आउट करेगा रिसर्च एक्टिविटी इन द एरियाज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो अपलिकेशन है आई आई टी दिल्ली जो है गोइंग टू सेटअप जो एस टी एस जो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स आई आई टी दिल्ली करेगा कोलेब्रेशन विद द इसरो इसरो जो है डिज़ायर की डेवलप करना डेवलपमेंट करना हाई एंड टेक्नोलॉजी इन कोलेब्रेशन विद आई आई टीज इन देश इन द एरिया ऑफ स्पेस स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस एप्लीकेशन इसरो जो है फाउंड फंड टू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट नासा नासा के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं पहला इनसाइट मिशन नासा इनसाइट मिशन जो डिटेक्ट करेगा जो क्वैक्स हैं क्वैक्स और मैग्नेटिक मैग क्वैक्स जो हैं और मैग्नेटिक जो पलसेज हैं ऑन द प्लेनेट मास मास पे जो क्वैक्स हैं जो मैग्नेटिक पलसेज हैं ऑन द मास पे इंटीरियर एक्सप्लोरेशन करेगा यूजिंग सस्मिक इन्वेस्टिगेशन करेगा जियो जियो डी जियो डी और हीट ट्रांसपोर्ट हीट ट्रांसपोर्ट इनसाइट में और जो फर्स्ट मिशन डिटेक्ट करेगा जो लुकिंग डीप बिनेट द मार्टिनियन सरफेस मार्टिनियन सरफेस के डीप में जाके स्टडी करेगा नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है और ये इम्बेड इम्बेडेड है विद द सेंसमोमीटर इसमें सेंसमोमीटर जो डिटेक्ट करेगा जो क्वैक्स आ रहे हैं अर्थ कह सकते हो और सेंसर लगे हैं जो ग्वाइगिंग ग्वाइगिंग विंड जो ग्वाइगिंग विंड और जो एयर प्रेशर उसको और जो मैग्नोमीटर है और हीट फ्लो प्रोब को डिज़ाइन किया गया जिसे टेक द प्लैनेट्स टेम्परेचर रिसेंट जो फाइंडिंग देखी गई मास डज़ नॉट हैव टेक्टोनिक प्लेट मास पे कोई भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है जैसे कि अर्थ पे बट इट डज हैव वॉल वॉलि एक्टिव रीजन्स हैं वन ऑफ विच जिसमें सर बी रस सर ब्यू सर बस फोसेन जो कॉज करते हैं रिजम्बल्स वेजर टू वेजर वेजर जो टू है रिसेंटली जो नासा है नासा ने फिक्स करा है ग्लिच ग्लिच रासायनिक ग्लिच इन इट्स वेजर टू प्रो ये जैसे वेजर वन था वेजर टू था वेज, जैसे वेजर वन था वेजर टू जो डिज़ाइन किया गया है फाइंड करना स्टडी करना जो एज है सोलर सिस्टम एज जो सोलर सिस्टम की एजेस हैं किनारे उसको पता करना और स्टडी करना ये ओनली स्पेस जो स्टडी करेगी ऑल फोर ऑल फोर ऑफ द सोलर सोलर सिस्टम गैंट जाइंट प्लान ये जित सोलर सिस्टम में जो चार बड़े प्लान हैं सैटन ज्यूपिटर सैटन यूरनस और नेपट्टून एट क्लोज रेंज में वेजर टू जो है इलेवन पॉइंट फाइव बिलियन माइल्स है फ्रॉम द अर्थ एट दैट डिस्टेंस लाइट लगभग सेवनटीन आवर्स टू रीच इट रीच इट और फॉर द मैसेज फॉर द मैसेजेस फ्रॉम इट टू रीच द मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ वेजर जो गेट वेजर जो है गेट इट्स पावर वेजर को उसका पावर उसको पावर मिलेगा फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप थर्मो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर टीजी जी थर्मो 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 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो टर्न करेगा हीट को फ्रॉम द डिके ऑफ द रेडियो सैटेलाइट रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू इलेक्ट्रिसिटी ये ऑफिशियली इंटर inter होगा इंटर इंटर स्टेलर इंटर स्टेलर स्पेस में इन नवंबर 2018 जो ज्वाइन इट्स विन जो ज्वाइन करेगा इट्स ट्विन वेजर वन एज द ओनली एज द ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू इंटर द स्पेस बिटवीन द स्टार ये जो स्पेस दिस स्पेस जो है बिटवीन द स्टार्स ये डोमिनेटेड बाय द प्लाज्मा जो इजेक्ट होगी बाय द डेथ ऑफ दी जो नियर नियर जो नियरली जॉइंट स्टार्स होंगे मिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से जो सन सेंड कर रहा है अपना कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ जो चार्ज पार्टिकल्स जिसे हम सोलर विंड जो अल्टीमेटली ट्रेवल करता है पास्ट ऑल जितने भी प्लानिट हैं कम थ्री टाइम्स और जो डिस्टेंस प्लूटो का बिकम इम्बीट बाय द इंटरस्टेलर मीडियम की वजह से अब यहाँ इसके वजह से एक फॉर्म हो रहा है जाइंट बबल अराउंड द सन सन के चारों तरफ तो तो एक जाइंट बबल तैयार हो रहा है अराउंड द सन और इसके प्लैनेट जिसे हीलियो स्फियर कहा जा रहा है जिसे हीलियो स्फियर किया जा, जा रहा है और ये फर्स्ट ह्यूमन मेड फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है टू फ्लाई पास्ट फ्लाई पास्ट यूरेनस इन 1986 जो नेपट्टून था 1989 मेड मेकिंग इट द ओनली स्पेस क्राफ्ट ओनली स्पेस क्राफ्ट टू हैव टू हैव एट अ क्लोज लुक ऑफ द आईसी प्लानट मीथेन मीथेन और मास मास सरफेस मीथेन और मास सरफेस नासा की क्यूरोसिटी जो रोवर रोवर है रिसेंटली मेजर कर रहा है जो हाइएस्ट लेवल है मीथेन गैस एवर फाउंड इन द एटमोसफियर एज मास सरफेस जो रीडिंग टेकन जिसे रीडिंग जो ली गई थी गेल क्रेटर गेल क्रेटर जो तीन गुना ती थ्री टाइम्स थी ग्रेटर देन द जो प्रीवियस रिकॉर्ड था प्रेजेंस ऑफ मीथेन ऑन मास मास पे मीथेन जो प्रेजेंस है इसका ट्रैक बिकॉज जो इसका प्रेजेंस हैव अ साइन ऑफ लाइफ हो सकता है उसके लाइफ हो वहाँ पे जो ऑन अर्थ जो मोस्ट मीथेन है ये प्रोड्यूस होती है बाय लिविंग थिंग्स के द्वारा ऑलमोस्ट जो गैस है वो कम फ्रॉम द जियोलॉजिकल सोर्स जैसे कि केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्विंग रॉक्स ड्रैगन फ्लाई मिशन ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है टू टाइटन टाइटन और जो लार्जेस्ट मून है सैटन प्लानट का जो लार्जेस्ट मून है सैटन प्लानट का टाइटन एस टी जो सैटन प्लानट है उस पर टाइटन जो है उसका करेगा ड्रैगन फ्लाई जो है सेलेक्ट एज द पार्ट ऑफ एजेंसी न्यू फाउंटियन प्रोग्राम जिसका एम है अंडरस्टैंड करना कि कैसे हाउ केमिस्ट्री मेड वे टू बायोलॉजी जो प्रोग्राम ये इंक्लूड किया गया है न्यू हॉरिजन मिशन जो टू प्लूटो और बेल्ट जूनो मिशन जो क्विपर बेल्ट है जूनो मिशन टू जुपिटर और ओरिरिस ओरिरिस मिशन जो टू द एस्ट्रॉइड बीनो जो जो टिटन है जो टाइटन है जो टाइटन है सेकेंड लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम इवन इवन लार्जर देन मरकरी जो एटमोसफियर है मोस्टली मेड मेड ऑफ नाइट्रोजन लाइक अर्थ और लैंडस्केप जो डोमिनेटेड बाय द सैंड ड्यून्स और वाटर वाटरवेज कंपोज्ड ऑफ़ द हाइड्रोकार्बन लिक्विड मीथेन और जहाँ लिक्विड मीथेन और इथेन जहाँ लिक्विड मीथेन और इथेन इट्स सरफेस जो है कंपोज्ड ऑफ वाटर आइस फ्रोजन एज हार्ड एज जो रॉक प्रीवियस मिशन जो था सेटन पे कैसनी कैसनी मिशन प्रीवियस जो मिशन था सैटन पे कैसनी मिशन जो लॉन्च किया गया था थ्रो जो कोलैबोरेशन बिटवीन जो नासा ई और जो इटालियन एजेंसी थी टू स्टडी सैटन और इट्स सिस्टम ऑफ रिंग एंड मून इट वॉज द फर्स्ट इट वॉज द फर्स्ट स्पेस स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट सैटन जो आर टी आर्टिमिस लूनर था आर्टिमिस लूनर प्रोग्राम आर्टिमिस लूनर प्रोग्राम नासा नासा रिसेंटली जो अनवेल कर रहा है कैलेंडर ऑफ फॉर द आर्टिमिस आर्टिमिस प्रोग्राम विल रिटर्न एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हाफ ऑफ द सेंचुरी इंक्लूडिंग जो फर्स्ट वोमेन एस्ट्रोनॉट टू मैन टू मून पंच मिशन पंच मिशन जो है पोलिमीटर पोलिमीटर टू यूनिफाई पोलिमीटर जो यूनिफाई करेगा कोरोना और जो हैलियोस्फियर है हेलियोस्फियर से पंच कहा गया है ये विल इमेज रीजन जो है बाय द सन आउटर कोरोना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी लॉन्च इन 2022 जो फोकस करना है ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सन आउटर कोरोना टू द सोलर विंड दैट फिल्स दैट फिल्स इंटरप्लनेटरी स्पेस जो अदर मिशन है जैसे नासा का पार्कर पार्कर सो सोलर प्रोव जो नासा का पार्कर सोलर प्रोव है और ई जो है नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है सोलर ऑर्बिटर सोलर ऑर्बिटर विच इज़ ड्यू टू द लॉन्च इन 2020 कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सन्स एटमोसफियर जो पंच मिशन है पंच मिशन ये इन्हहेंस करेगा दीज बाय ट्रैकिंग दीज स्ट्रक्चर इन रियल टाइम इन रियल टाइम जो इोक्स एक्स है इोक्स एक्स ये फाइव ईयर प्रोग्राम है फाइव ईयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था लॉन्च इन 2016-17 बाय द बाद नासा टू अंडरस्टैंड जो अंडरस्टैंड करना अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर जो है कंटेन इन इन विंटर स्नोफॉल इन विंटर स्नोफॉल में कितना वाटर होता है फॉर हाउ मच विल बी अवेलेबल व्हेन इट मेल्ट इन स्प्रिंग स्पिटर स्पेस टेलीस्कोप स्पिटर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस बॉन्ड जो ऑब्जर्वेटरी है वन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट है जो है नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेशन नासा का ग्रेट ऑब्जरवेशन प्रोग्राम दैट इंक्लूड जिसमें हर्बल स्पेस टेलीस्कोप चंद्र एक्सरे और कैप्टॉन गामा एक्स गामा रे ऑब्जर्वेटरी है ये डिजाइन किया गया है टू डिटेक्ट कर सकता है इन्फ्रा रेड रेडिएशन और ये एबल टू रिवील स्कूलर ऑब्जेक्ट इन स्पेस लाइक जैसे फील्ड स्टार जो हैं ये ब्रॉन डॉल्फ और ये इस एक्सट्रो एक्सट्रोसोलर प्लानट कहा जा रहा है और ऑर्गेनिक और, और, और जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट में होल्ड द सीक्रेट टू लाइफ ऑन अदर प्लानट ये इट विल कम टू एंड एंड सिंस इट विल इट इज लो ऑन फ्यूल एंड हैज बीन ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ अब स्टार लाइनर स्टार लाइनर जो है ये ये इट इज अ स्पेस कैप्सूल स्पेस कैप्सूल होगा बिल्ड टू फेरी एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो कैप्सूल है बीन बिल्ड बाय बोइंग बोइंग के द्वारा बनाया जा रहा है और ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा सोलर ऑर्बिटर मिशन सोलर ऑर्बिटर मिशन ये कोलेबरेटिव मिशन है बिटवीन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और नासा डेडिकेटेड टू सोलर एंड हेलियोस्फियर हेलियोस्फेयर सोलर एंड हेलियोस्फेयर फिजिक्स ये स्टडी करेगा अबाउट जो डेवलपमेंट है ऑफ प्लानट एंड जो इमरजेंस हो रही लाइफ हाउ कैसे सोलर सिस्टम जो वर्क कर रहा है जो ऑरिजिन है यूनिवर्स की और जो फंडामेंटल फिजिक्स एट वर्क इन द यूनिवर्स नासा सेलेक्ट करेगा फोर पॉसिबल मिशन जो स्टडी करेंगे सीक्रेट ऑफ द सोलर सिस्टम फोर मिशन जो हैं इसमें डेविनी सी डी ए वी एन आई सी आई डी प्लस डीप डीप एटमोसफियर डीप एटमोसफियर वीनस वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसे वीनस पे इन्वेस्टिगेशन होगी नोबल गैसेज की केमिस्ट्री की और इमेजिंग होगी प्लस टू एनालाइज वीनस एटमोसफियर ईवो ये ईवो वॉल्कनो ऑब्जर्वेट जो है ये प्रपोजल जो है एक्सप्लोर करेगा जुपिटर की जुपिटर की जुपिटर के मोन लो ईलो की ईओ की जो ट्राई ट्राईडेंट ट्राईडेंट जो है एक्सप्लोर करेगा जो ने, नेपट्टून नेपट्टून के आईसी मोन ट्रीटोन का ट्रीटोन ट्रीटोन का वरीटस वीनस वीनस इमेसी जो रेडियो साइंस इंसार टो, टोपोग्राफी है और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है टू मैप वीनस इस सरफेस वीनस की सरफेस को दे आर नॉट दे आर नॉट दे आर नॉट ऑफिशियली मिशन येट सम अल्टीमेटली मे नॉट बी चूजेंड टू मूव फॉरवर्ड अदर मिश, स्पेस मिशन में आता है रावना वन रावना वन जो श्रीलंका का फर्स्ट सेटेलाइट रावना वन है डिजाइन दिज, किया गया है और डेवलप्ड किया इंडिजिनसली जो सक्सेसफुली लॉन्च इंटू ऑर्बिट फ्राम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ये ये क्यूब सेटेलाइट इसका क्यूब सेटेलाइट नैनो सेटेलाइट जो डिप्लॉय होगा यूजिंग द जक्सा जक्सा मीन्स जापान एरो स्पेस और एक्सप्लोरेशन ओन कीबू कीबू एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल से जि, जिपर जिप जिप्पेक्टर आर जी ये र, 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 रशिया जो लॉन्च करा है ऑल स्काई सर्वे सेटेलाइट जिसे स्पीकर आर जी कहा जा रहा है और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन रशियन स्पेस एजेंसी रॉ रौ, रॉस्कोमोस और जो जर्मन स्पेस एजेंसी है डी एल आर स्काई बोट स्काई बोट एट स्काई बोट एफ एट्टी एट फिफ्टी स्काई बोट एफ एट्टी एट फिफ्टी रिसेंटली रशिया सेंड करा ह्यूमोनाइड रोबोट फेबर फेडर ह्यूमनाइड एक ह्यूमनाइड बना के रोबोट फेडर जिसे स्काईबोट फोर एफ एट फिफ्टी कहा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और स्पेंड करेंगे दस दिन इन द स्पेस जो एग्जिस्ट करेंगे एस्ट्रोनॉट के द्वारा फेडर जो है रशिया का फर्स्ट रोबोट है इन स्पेस और दो में नासा ने सेंड करा था रोबोनोट टू जो ह्यूमोनाइड डेवलप किया गया था जनरल मोटर्स और दो में जापान सेंड कर रहा है स्मॉल रोबोट कॉल्ड किरूबो किरूबो जो डेवलप्ड फ्रॉम द टोयोटा और ये होल्ड करेगा कन्वर्जेंस इन जापानीज चांग ई फोर जो है ये सेकेंड फेज है चाइना का लूनर लूनर प्रोग्राम फर्स्ट मिशन जो था टू लॉन्च ऑन फार साइड ऑफ द मून और ये लैंडेड एट द साउथ पोल एचिकेटन बेसन रिसेंटली रिसेंटली जो कॉटन सीड है ये रिपोर्टेडली ज्वाइंट स्प्राउटेड स्प्राउटेड इन द एक्सपेरिमेंट बोर्ड अब्रॉड जो चांग फोर मून लैंडर है होप कैप्सूल एमिराट मास मिशन ये मास मिशन है बिल्ड कराया जा रहा है यू के द्वारा जो शेड्यूल टू लॉन्च इन जुलाई ट्वेंटी और ये इट विल ऑर्बिट इट विल ऑर्बिट मास जो स्टडी करेगा जो डायनमिक्स है ऑफ द मार्टिनियन एटमासफियर और ये एंड इट्स जो इंटर 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 एक्शन जो है विद आउटर स्पेस एंड सोलर विंड्स क्लियर स्पेस मिशन क्लियर स्पेस मिशन मतलब यूरोपियन एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई एस ए ये प्लान करेगा टू लॉन्च फोर आर्म्ड रोबोट चेज़र जो है जो क्लीनअप करेगा जो अर्थ के ऑर्बिट को इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जो चेज़र है ये डेवलप किया गया है स्विज स्विज स्टार्टअप क्ली, क्ली, क्लीन क्लीनर स्पेस और अंडर क्लीन स्पेस वन मिशन ये लॉन्च किया गया स्पेस में जो ग्रैब करेगा जो चूजन पीसेस हैं स्पेस ट्रैश के ट्रेश ट्रेश के एट एट ए टाइम और यूज करेगा इसके रोबोटिक जो आर्म्स और जो फॉल बैक टूवर्ड्स अर्थ इन कंट्रोल कौन, डिसेंट के द्वारा जो टारगेट है जो पीस ऑफ जुंक जिसे वेप्सा कह रहे हैं अराउंड लगभग 800 किलोमीटर अराउंड द मून ये अर्थ और ये अर्थ की ऑर्बिट में जो होम है मोर देन तीन हजार सौ डिफॉल्ट सैटेलाइट और एस्टिमेट किया जा रहा है सात लाख पाँच पा, साढ़े सा, सा, सात लाख जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं और जितने छोटे छोटे पीस हैं ये फ्लाइंग एट द वेलोसिटी लगभग दो लाइक like जैसे बीस हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे से ये घूम रहे हैं और जो मोर डेब्रीज़ हैं कोड लीड टू मोर कोलिजन जिससे कैस्केड इफेक्ट आ सकता है जिसे केसलर सिंड्रोम कह रहे हैं जिसके वजह से क्या होगा मे रेंडर स्पेस इवेंचुअली इमऑपरेबल इनऑपरेबल फॉर इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे कि नेविगेशन सेटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग रिमूव डेब्रीज मिशन रिमूव डेब्रीज मिशन जो डेब्रीज हैं जो वहाँ पर डबरीज फैला रखी है उसको हटाइए ये जो सैटेलाइट रिसर्च है जो प्रोजेक्ट इंटेंड करेगा टू डिमोस्ट्रेट करना जो वेरियस स्पेस डबरी रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये मिशन जो है लीड किया जा रहा है स्पेस सूर्य स्पेस सेंटर से सूर्य स्पेस सेंटर से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सूर्य जो कुछ टेक्नोलॉजी हैं जैसे नेट कैप्चर नेट कैप्चर ये इन्वॉल्व करेगा जो नेट दैट विल बी डिप्लॉयड एट द टारगेट क्यूब सेट जो कैप्चर है हारपून कैप्चर ये लॉन्च एट अ टारगेट प्लेट मेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेटेलाइट पैनल मटेरियल विजन बेस्ड विज़न बेस्ड नेविगेशन विज़न बेस्ड नेविगेशन यूज करेगा कैमरा और लिडर लिडर लाइट डिटेक्टेड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो प्लेटफॉर्म है विल सेंड डेटा अबाउट अबाउट जो डबरीज बैक टू द ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग और डी जो डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस है जो डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस जो एज इट इंटर अर्थ एटमोसफियर जो स्पेस क्राफ्ट है विल बर्न अप लिविंग नो डेब्रीज़ बिहाइंड जापान अर्लियर जो लॉन्च कर चुका है शिप विल यूज करेगा सेवन हंड्रेड मीटर लॉन्ग टूगैदर टू रिमूव सम ऑफ द डेबरीज फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट जो टेंथ द इथर मेड मेड ऑफ यूरेनियम स्टैंड और स्टील वायर जो डेजिग्नेटेड टू स्लो टू स्लो द डबरीज पुलिंग इट आउट ऑफ ऑर्बिट हाइबूसा हाईबूसा टू हाइबूसा टू जापान के एस्ट्रॉयड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट जो लैंडेड है एट रो, रोग्यू एस्ट्रॉइड रोगगू एस्ट्रॉयड रू इन जून दो हज़ार अठारह और रिसेंटली ये बिगेन इट्स जनरी बैक टू द अर्थ अब इसमें अब इसमें पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं अदर अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस बेस्ड इंटरनेट अमेरिकन अमेरिकन कंपनी स्पेस जो है रिसेंटली सेंड करा है सिक्सटी स्मॉल सेटेलाइट लगभग पाँच सौ के जी ईच इंटू लो एल ई ओ लो ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट में और ये बिल्डअप बिल्ड करेगा लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन अर्थ हर जगह इंटरनेट सर्विसेज मिल सकें इसलिए करा गया है ये जो प्रोजेक्ट है इसे नेम इस्टारिंक इस्टार लिंक, लिंक नेटवर्क कहा जा रहा है क्योंकि ये बिल्ड करेगा चार चार हजार दो बयालीस हज़ार कॉन्स्टलेशन एमिंग जिसे सप्लाई करा जा सके नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन अर्थ अर्थ पे हर जगह ये यूज ये यूज़ करेगा बीकॉन्स को जो बीम कोऑर्डिनेट करेंगे सिग्नल बैक टू द अर्थ फ्रॉम अराउंड लगभग तीन तीन सौ पचास किलोमीटर से बारह सौ किलोमीटर अवे फ्रॉम का को का एंड को जो फ्रिक्वेंसी बैंड है यह अलाउ करेगा मैसेज जिसे सेंड ट्वाइस एज फास्ट एज फाइबर्स जो यूज करेगा कनेक्ट द इंटरनेट ऑन अर्थ रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार स्पेस स्पेस बेस्ड इंटरनेट जो है इसके अंदर एबिलिटी होगी कि यूज़ किया जा सकता है सेटेलाइट को इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ जो सेंड करेगा रिसीविंग डेटा ऑल जो सेटेलाइट इंटरनेट सेटेलाइट इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है स्पेस बेस्ड इंटरनेट इन इज़ मच फास्टर एंड हैज दबिलिटी एबिलिटी है वर्क कर सके अक्रॉस द ग्लोब और ये जो है ये टू मेक इट वर्क थाउजेंड ऑफ लो कॉस्ट जो सेटेलाइट जो डिप्लॉयड हो रही है इन टू ऑर्बिट अब दे डिफर डिफर कर रही हैं फ्रॉम अनदर अदर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पैंतीस थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन एट्टी सिक्स किलोमीटर मोर कॉमनली यूज इन द सेटेलाइट इंटरनेट इन इंस्टेंट 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 जो लो अर्थ ऑर्बिट है सेटेलाइट ये यूज की जा रही है कंस्टोलेशन में थाउजेंड ऑफ सेटेलाइट इन द पैटर्न जो प्रोवाइड करेंगी कंटिन्यूस जो इंटरनेट कवरेज है ये जो प्रोवाइड करेगी बेटर बेटरिटी मोर जो अफोर्डेबिलिटी है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अवेलेबिलिटी और जो रिवोल्यूशनइज होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी हाउएवर एरिया जो कवर किया जा रहा है इज़ कंपेटिवली वेरी लेस इन दिस इंटरनेट ग्रेविटेशनल लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है ये नासा ने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहा है कि वो यूज़ करेगा जो फिनोमेना है ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन इट्स रिसर्च इसमें क्या होगा जो अर्थ है और जो क्या कहते हैं गलेक्सी है और इसमें गलेक्सी क्लस्टर जो बहुत सारी गलेक्सी उससे जैसे क्लस्टर बना हुआ है अब लेंस गलेक्सी इमेज जो है उसमें जब अर्थ और गलेक्सी के बीच में इसे लेंथ लेंस गलेक्सी इमेजेस कहा जा रहा है अब नासा जो है यूज नासा जो है यूज़ करेगा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब जेम्स का वेब वेब मतलब क्लस्टर तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कंडक्ट करेगा वाइड रेंज ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी नासा अनाउंस करा है कि वो प्लान कराए इन्वेस्टिगेट करे कि हाउ न्यू स्टार्स आर बाउंड कैसे न्यू स्टार बॉन्ड हो रहे हैं फॉर दिस इसके लिए वो हेल्प लेगा नेचुरल 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 फिनमिना जैसे ग्रेविटेशनल लाइसेंसिंग ये जो प्रोग्राम है इसे टेम्पलेट कहते हैं जो टारगेट टारगेट एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड पैक पेंक्रोमैटिक पेंक्रोमेटिक लेंस आर्क एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन जो, जो ग्रेविटेशनल लेंस, लेंसिंग जो जब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ़ मैटर होता है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर होता है जब सक्सेसिव गले जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर होता है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से मैसिव गलेक्सी और जो क्लस्टर बनती हैं गलेक्सीज क्रिएट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और इससे क्या दैट डिस्टॉर्ट और मैग्नीफाई द लाइट जिससे क्या होता है जो लाइट होती है उसको डिस्टॉर्ट distort होता है डिस्टॉर्शन होता है और मैग्नीफाई हो जाती है लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट बट इन द सेम लाइन ऑफ साइट जो उसके रास्ते में आते हैं अब दीज जो ये लार्ज जो सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट हैं जो मैग्नीफाई करेंगे लाइट को फ्राम डिस्टेंट ग्लैक्सी से एट आर एट और आर ऐट और नियर द पीक ऑफ स्टार फॉर्मेशन इससे पता चल जाएगा जो कि सो इन वे जो ऑब्जेक्ट हैं एक्ट एज ए नेचुरल हो सकते हैं कॉस्मिक हो सकते हैं टेलीस्कोप जो कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंस ग्रेविटेशनल लेंस, ग्रिविटेशनल लेंस अब एज अ रिजल्ट जो गलेक्सी अपीयर होंगी मच मच ब्राइटर देन दे एक्चुअली मच मच ब्राइटर देन एक्चुअली आर बिकॉज ये दे दे हैव दे हैव दे हैव बीन हाईली मैग्नीफाइड अब बाय फिफ्टी टाइम्स पांच आस गुना ये बड़ी हो जाएंगी एप्लीकेशन अगर करें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का तो इससे हम स्टडी कर सकते हैं गलेक्सी जो विच आर वेरी फार अवे फार अवे एंड कैन नॉट बी सीन अदरवाइज विल इवन द मोस्ट पॉपुलर स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व इनविजिबल जो थिंग्स हैं इन द यूनिवर्स जैसे कि डार्क मैटर जो है डज नॉट एमिट और ऑब्जर्व लाइट ऑन इट्स ओन सो इट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दिस इफेक्ट कैन बी वर्कड आउट हाउ मच डार्क मैटर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड द स्टार फॉर्मेशन ये बाई स्टडिंग अगर इसको स्टडिंग करें हाउ कैसे जो गलेक्सी हैं फॉर्मड हुई देयर स्टार एंड हाउ जो हाउ दैट स्टार जो फॉर्मेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द गलेक्सी अंडरस्टैंड द पास्ट अंडरस्टैंड द पास्ट पास्ट को समझ सकते हैं कि जो मिल्की वे टुडे जो है फॉर्म द इक्वलेंट ऑफ वन सन एवरी ईयर बट इन द पास्ट जो रेट था वो वाज अप टू तो हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर था यूजिंग दिस इफेक्ट हम साइंटिस्ट जो हैं लुक बिलियन ऑफ़ ईयर्स बिलियन ऑफ ईयर्स इन द पास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स पास्ट में जा सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ आवर सन फॉर्म्ड कैसे हमारा सन फॉर्मड हुआ था अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में समझते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में हमारा पहला है भा भा पहला है भा भाकरा हार, हारा बाख भाक हारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेशंस इसे बी सैग बी सैग बी सैग गुजरात एंड बी सैग एंड कहा जा रहा है कैबिनेट जो है उसने अप्रूव करा है एलिवेशन ऑफ भास्कर भास्कर चार इंस्टीट्यूट भास्कर चार इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गुजरात में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी में आता है बी सैक जो है ये स्टेट एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ये जो है ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बी वर्क करेगा क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द गोर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो फैसिलिटेट करेंगे यूज़ ऑफ स्पेशल एंड जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है फॉर प्लानिंग एंड जो डेवलपमेंट है एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू द एग्रीकल्चर लैंड पर्टेनिंग to एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और जो वेस्ट लैंड वाटर शेड डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन है ये जो एलिवेशन है ये जो एलिवेशन है बी सैग बीन डन टू मेंटेन करना जो एफिशिएंसी और जो इनोवेशन इनोवेशन ऑफ ऑफ साइंस और फैसिलिटेट करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपेंडेड जो स्कोप है एक्टिविटीज का एफिशिएंट जो रोल आउट ऑफ जीआईएस प्रोजेक्ट है और फैसिलिटेट फैसिलिटेट एड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय द वोमन जो लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट करी गई वोमन के द्वारा इसमें नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच है जो रिटर्न हुई अर्थ आफ्टर स्पेंडिंग लगभग तीन सौ अट्ठाइस दिन इन द स्पेस वर्ल्ड वर्ल्ड का रिकॉर्ड अक्रॉस जेंडर जेंडर जो है चार सौ अड़तीस रशिया प्लाफ लॉन्ग स्टे जो उनका लॉन्ग क्रिस्टीना कॉश का जो लॉन्ग स्टे रहा जिसमें प्रोवाइड हुआ वैल्यूबल जो इंफॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है स्पेस स्पेस ट्रेवल में फीमेल बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ते हैं एज द एजेंसी प्लान टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून अंडर आर्टिमिस प्रोग्राम अंडर मून से वापस लाना इसे आर्टिमिस प्रोग्राम और प्रिपेयर करना फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मास थर्टी मीटर टेलीस्कोप टीएमटी टी जिसे कह रहे हैं ये प्रपोज किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद विद एन एक्सट्रीमली जो लार्ज टेलीस्कोप है थर्टी मीटर इन प्राइम मिरर डायमीटर ये जो ये वुड बी वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ग्राउंड स्पेस टेलीस्कोप है रिसेंटली डिमांड टू शिफ्ट दिस जो प्रपोज टेलीस्कोप है हैज बीन रेज ड्यू टू द रेगुलर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एट द प्रपोज साइट ऑफ माउना किया इन हवाई ये सेक्रेट जो लोकेशन है फॉर द ये सेक्रेट जो लोकेशन है आईलैंड की नेटिव पॉपुलेशन में और इंटर नेशनल जो प्रोजेक्ट है बीइंग फंडेड बाय द साइंटिस्ट साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा चाइना इंडिया जापान और यूएसए थ्रो ये वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पुणे डेवलप टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर द थर्टी मीटर स्कोप ये जो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है डिटरमाइन करेगा जो अमाउंट ऑफ व्यूइंग टाइम है जो और जो नंबर कंट्रीज हैं साइंटिस्ट गेट ऑन द मशीन इंडिया जो है अभी स्टैंड इंडिया का स्टैंड है टेन परसेंट ऑफ द अवेलेबल स्लॉट में ईस्ट ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेट्री ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेट्री कंसोर्टियम ये जो इंडिया जो प्रिलिमिनरी डिस्कस कर रहा है कि वो पार्ट है ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेट्री कंसोर्टियम ऑफ एट कंट्रीज़ इसमें चाइना जापान ताइवान साउथ कोरिया जो फुल मेम्बर हैं थाइलैंड वियतनाम मलेशिया और जो इंडोनेशिया एज ऑब्जर्वर ई e ए जो है ईस्ट एशिया ईस्ट ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेट्री ये फॉर्मड हुआ था ई ए सी ओ जो ईस्ट एशियन कोर जो ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन थे फॉर फॉर जो फॉर द पर्पस ऑफ परसोइंग करना जो जॉइंट तो प्रोजेक्ट है इन एस्ट्रोनॉमी विद इन द जो ईस्ट एशियन रीजन में और प्लूनेट पु, प्लूनेट जो रिसेंटली जो टीम है एस्ट्रोनॉट की फ्रॉम द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ये डिफाइन कर रही है एक न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट जिसे पोलैट कह रहे हैं पोलैट जो है ऑर्फेंड मून है दैट हैव दैट स्केप बॉन्ड ऑफ देयर पेरेंट जो प्लानेट है और स्टार्ट ऑर्बिटिंग देयर स्टार इंस्टेंट पुल जो है हेल्प करेगा एग्जामिन करने में एक्सप्लेन करने में कैसे जो ब्लीजियर एक्जो प्लानिटी जो फीचर थी कैन ऑल्सो प्रोवाइड जो डिटेल ऑन द प्लानेट फॉर्मेशन प्रोसेस एस्ट्रोनॉट जो कॉन्क्रीट कर रहे हैं हाउ how, हाउवर जो पोलैट हैं स्टिल रिमेन हाइपोथीटिकल अस्ट कोस्ट अरो कोस्ट जो अल्टीमा थूले है ये रीनेम कर दिया गया अरो कोस्ट जो आ, 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 आरो कोस्ट ये नेटिव अमेरिकन टर्म है इसका मतलब स्काई इन द पो पो पोहान एल्गो एल्गोनोक्वेन लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट जो बाइंड्री इसका फर्स्ट सिंगल ऑब्जेक्ट था कि विद टू लोब्स जो बट जो लोब्स हैं जनरली इन कॉन्टैक्ट नासा जो है डब कर रहा है जो ला लार्जर लोब अल्टीमा है और अदर जो जो अबाउट थ्री टाइम्स स्मॉलर है थूले जो लो, जो लोकेशन है क्यूपुलर बेल्ट जो क्यूपुलर की बेल्ट की लोकेशन है उसमें डू नॉट जो शेप्ड रीजन है आईसी बॉडी बायोंड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्टून जो न्यू ऑरिजन है फर्स्ट मिशन जो एक्सप्लोर करेगा क्यूपर क्यु, बेल्ट को और आईसी जो ऑब्जेक्ट है ऑफ क्यूपर बेल्ट जो रिमिनेंट है लेफ्ट ओवर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम मैनी क्यूपुलर बेल्ट जो है ऑब्जेक्ट ये रिमेन अनचेंज फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स और कुड प्रोवाइड क्लू क्ल्यू टू द हिस्ट्री ऑफ़ द सोलर सिस्टम और पॉसिबली जो कंडीशंस हैं दैट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ ए हेरिटेबल वर्ल्ड लाइक अर्थ जो प्लूटो ऑल्सो लाई इन द बेल्ट ये इट वाज इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज डिस्कवर्ड इन 2014 बाय द न्यू हॉर्जन टीम यूजिंग पावरफुल हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा लॉन्च कर रहा है न्यू हॉर्जन मिशन इन जनवरी 2006 आफ्टर क्रॉसिंग आफ्टर क्रॉसिंग बाय प्लूटो इन 2015 इन जनवरी 2019 इट्स फ्लू बाय अरो कोस्ट इट रिमेन द फारदेस्ट 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 फ्लाई बाई एवर कंडक्टेड जो एरिएशन आरी, एरिएशन ब्रस्ट इवेंट है इवेंट इज़ वेरी रेयर ये इवेंट जो है बहुत रेयर है ओनली थ्री सच इवेंट हुए हैव बीन ऑब्जर्व अभी तक देखे गए है. हैं आउट ऑफ आउट ऑफ ऑल जो बिलियन ऑफ मैसेव स्टार्स हैं मिल्की वे में रिसेंटली जो रेयर ग्लिमसी है एक्रिएशन ब्रस्ट इन जर, इन ग्लैक्सी जैसे कि एस्ट्रोनर्स बताते हैं फर्स्ट जो डिटेक्शन हुआ था ऑफ एक्रिकेसन ब्रस्ट दो हज़ार सोलह में एस्ट्र एस्ट्रोनॉट्स कहा एस्ट्रोनॉट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एग्री हुए कि 2017 में कोऑर्डिनेट हुए कोऑर्डिनेट किया जो एफर्ट थे ऑब्जर्व करना ज़्यादा से ज़्यादा और वै, वै, वैलिडेट एंड फॉलो अप जो एग्रिकेशन ब्रस्ट हुआ था मोर ऑब्जर्वेशन जो थी ग्लोबल एफर्ट की लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम टू ओ मेसर मोनिटिंग ऑर्गेनाइजेशन एम मेसर मोनिटरिंग ऑब्जर्वेशन मेजर मोनिटरिंग ऑब्जर्वेशन जो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है साइंटिस्ट की जो डेडिकेटेड है कि फ्लैगिंग जो मैसर्स हैं इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट जो बर्थ ऑफ यूनिवर्स स्टार जो अमंग अदर जो कॉस्मिक फिनोमिना है मैसर जो है माइक्रोवेव माइक्रोवेव इक्वलेंट ऑफ लेसर जो वर्ड स्टैंड है फॉर माइक्रोवेव इम्प्लीकेशन बाई स्टमलेट जो अमीशन हो रहा है रेडिएशन से और जो मेसरस ये ऑब्जर्व यूजिंग यूजिंग जो रेडियो टेलीस्कोप एंड मोस्ट ऑफ देम जो हैं ऑब्जर्व एट सेंटीमीटर वेव ये जो मैसर फ्लेयर है कैन बी कैन बी ए साइन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डनरी जो इवेंट जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो है विद दिस इवेंट जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं विल बी एबल टू डेवलप करेंगे टेस्ट थियोरीज टू एक्सप्लेन हाउस हाउ हाई मास स्टार गेन देअर मासिस इसके अलावा गोल्डी लॉक जोन जो है ये नासा का ट्रांजिस्टी एक्स, एक्सो प्लानट सर्वे सेटेलाइट है जो डिस्कवर कर रहा है अर्थ साइज़ प्लैनेट जिसे टी ओ आई कहा जा रहा है सेवन हंड्रेड डी ऑर्बिटिंग एट स्टार जिसे टी ओ आई सेवन हंड्रेड गोल्ड गोल्डी लॉक जोन कहा जा रहा है गोल्डी लॉक जोन जो रिफर टू देरिटेबल जो जोन है अराउंड द स्टार और इट इज़ नॉट टू हॉट और कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लानेट अर्थ इज द सन होल गोल्डी लॉक जोन अर्थ जो है अर्थ इज द सन सन गोल्डी हॉक गोल्डी लॉक जोन न्यू मून ऑफ स्टार डिस्कवर न्यू मून जो है स्टा सेटन के डिस्कवर किए गए हैं ट्वेंटी न्यू मूनस बीस नए मून जो हैं सैटन के डिस्कवर करे गए हैं इसी के साथ टोटल नंबर जो मून है वो बयासी हो गए हैं और जो साबारू साबारू टेलीस्कोप से माउनाकिया हवाई से डिस्कवर किया गया है इससे पहले जुपिटर के पास सेवेंटी नाइन मूनस थे सेवेंटी ना इसके बाद जुपिटर के पास सेवेंटी नाइन मूनस थे और इसके बाद अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ जो मूनस हैं सोलर सिस्टम में अब वो सैटन के पास होंगे अब जुपिटर के पास नहीं होंगे क्योंकि जुपिटर के पास सेवन नाइन और इसके बाद बयालीस सेवनटीन सेवनटीन ऑफ सैटन न्यू मून्स जो हैं ऑर्बिट इन द अर्थ इन इन द प्लैनेट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन जिसे रेट्रोग्रेड डायरेक्शन अदर थ्री जो सर्कल हैं इन द सेम डायरेक्शन जो सेटन के रोटेट इन द प्रोग्रेड डायरेक्शन तो रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड डायरेक्शन में अब जो कॉमेट ट्वेंटी वन बो बोरिस बोरिसो फिफ्थ ये क्या है ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड कॉमेट है जो कम क्लोज टू द सन का सन के बहुत पास आया फ्रॉम द अनदर जो स्टेलर सिस्टम था और ये सेकेंड इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट है जो आइडेंटिफाई किया गया टिल डेट तक और पास हुआ है थ्रू सोलर सिस्टम जिसे फर्स्ट वॉज वन ओमो ओमुआ ओ, 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 मु, ओ, ओ स्पॉटेड इन दो हजार सत्रह जो ऑब्जेक्ट बॉन्ड हुआ है सोलर सिस्टम में ट्रेवल इन एलिप्टिकल जो ऑब्जेक्ट हैं अराउंड द सन वाइल जो इंटेस्ट स्टीलर जो बॉडीज़ हैं फॉलो द हाइपर बोलिक पाथ और ये कन्फाइंड होगा दैट टू आई बोरीसो बोरिसो हैव बीन मोर हाइपोबलिक पाथ देन एनी अदर कॉमेट विच हैज़ बीन स्टडीड टू डेट इंटरसेलर जो ऑब्जेक्ट हैं कैन प्रोड्यूस यूनिक जो डेटा अबाउट जो स्टार सिस्टम ऑफ ऑफ देयर रीजन ऑफ देयर ओरिजिन पर्टिकुलर अबाउट जो अबाउट देयर ने अबाउट देयर बिल्डिंग ब्लॉक जो एस्टोरॉइड बीनू है एस्टरॉयड बीनू नासा और इस नासा और रेक्स जो टीम है कन्फाइंड ए सिंपल कलेक्शन साइट डिजनेटेड नाइट एंगल एज एस्ट्रॉयड बीनो और ये जो साइट है लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल ऑफ एस्ट्रॉयड बीनू ये सो so, जो टेम्परेचर है रीजन में लोअर देन एल्सवेयर ऑन द एस्ट्रॉयड और जो सरफेस है मैटर सरफेस मैटर इज़ वेल प्रिजर्व ओ रीरिस रेक्स जो मिशन है इसे सेलेक्टेड ओ स्प्रे और ये बैकअप जो सैंपल कलेक्शन साइट है इफ़ एनी सिग्निफिकेंट डिस्टरबेंस टू नाइटेंगल्स सरफेस वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट अ सैंपल हाइजिया हाइजिया जो है ये रिसेंटली एस्ट्रोनर जो हैं सजेस्ट कर रहे हैं कि हाइजिया जो है

इट हैज़ नॉट क्लियर जो नेबरहुड अराउंड इट इज़ इट ऑर्बिट जो है लास्ट लास्टली इट इज़ इनफ मास दैट इट्स ओन ग्रेविटी पोज इट इनटू रफली स्फ़ेरिकल शेप हाइजिया जो कंसिडर किया जा रहा है एस्ट्रॉड एस्ट्रॉयड अभी तक टिल नाउ अब ये लाइक कर गया एस्ट्रॉयड बेल्ट में बिटवीन मास और जो जुपिटर मास और जुपिटर के बीच में आल्टिया जो था ये हाइजिया क्वालिफाई कर रहा था ओनली फर्स्ट थ्री क्राइटेरिया बट नाउ अब जो ऑब्जर्वेशन मेड थ्रो जो यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पीयर इंस्ट्रूमेंट है एट वेरी लार्ज टेलीस्कोप एल और हाइजिया सेटिस्फाई कर रहा है जो फोर्थ क्राइटेरिया है टू दस जो क्वालिफाई किया है टू बी क्लासिफाइड एज डॉर्फ प्लानट इसलिए इनको डॉर्फ प्लानट कहा जा रहा है अब हीलियम हाइड्राइड जो साइंटिस्ट स्पॉट देख रहे हैं हीलियम हाइड्राइड मॉड्यूल फर्स्ट फर्स्ट टाइम इन स्पेस हीलियम हाइड्राइड जो आयन है हाइड्री हाइड्री हीलियम ये वन प्लस जो आयन है काट आयन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये केमिकल फार्मूला जो है एच ई एच ई एच प्लस जो हीलियम हाइड्राइड आयन ये कंसिस्ट करता है हीलियम आइटम बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन आइटम और वन इलेक्ट्रॉन जो रिमूव्ड इट कैन बी व्यू प्रो प्रोटोनेटेड हीलियम प्रोटोनेटेड हीलियम ये जो लाइटेस्ट हेट्रो न्यूक्लियर जो आयन है ये बिलीव टू बी वन ऑफ लाइफ फर्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म इन द यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैन टार्डी ग्रेड टार्डी ग्रेड इसराइल स्पेसक्राफ्ट जो बेरी शीट रिसेंटली क्रैश हो गई लैंडेड ऑन द मून जहाँ पे थाउजेंड ऑफ टेडीग्रेड्स ऑन बोर्ड टेडीग्रेड जो वाटर बियर और स्मॉल और पिगलेट होते हैं जो एनी मोर देन एक हजार एक सौ ग्यारह सौ स्पीशीज जो थी फ्री लिविंग टाइनी इन वर्ट्रेड बिलोंग टू द फ़ाइलम टारडी ग्रेडा ये कंसिडर किए जाते हैं क्लोज रिलेटिव हैं अर्थोपोडा इंसेक्ट के आउटस्टेशन के नियर माइक्रोस्कोपिक एनिमल अबाउट वन एम एम जो होते हैं और लेस इन ओनली एनिमल जो है क्लोज टू स्टार जहां पर नो न्यूप्लियन साइज प्लान यह रिसीव किया स्ट्रॉन्ग जो रेडिकेशन हो रहा है फ्रॉम स्टार जो मेजर मीनिंग जो प्लैनेट है डो नॉट रिटेन द गैसेज और एटमॉस्फेयर और दे इिविंग जस्ट ए रॉकी कोर रिसेंटली जो रफ एग्जो प्लानट है डिस्कवर किया गया एन जी टी फोर बी निक नेम जिसका फॉरबिडन जो प्लानट है विद इट्स ओन जो एटमासफियर इन द इन नैपिटन डेजर्ट देर इट इज स्मॉलर देन नेपट्टून बट जो थ्री टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ प्लानट जो नाइन है प्लानट नाइन हाइपोथेटिकल जो प्लानट है इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है कुड एक्सप्लेन जो यूजल क्लस्टरिंग है ऑफ ऑर्बिट और ए ग्रुप ऑफ एक्सट्रीम जो ट्रांस न्यूक्न ऑब्जेक्ट हैं ई ई टी टी ओ ओ एन एस जो that, that जो दैट दैट ऑर्बिट है सन एट द डिस्टेंस एवरेजिंग मोर देन दो सौ पचास टाइम्स द अर्थ फिर है वाटर वाटर फाउंड ऑन द एग्जो प्लानट के टू एटीन बी एस्ट्रोनर अभी पहली बार जो डिस्कवर करा है वाटर जो एटमोसफियर में एग्जो प्लानट में के टू एट्टीन बी ये ऑर्बिट कर रहा था डिस्टेंट जो ड्राफ स्टार था के टू एटीन बी आउटसाइड द सोलर सिस्टम अर्थ लाइक टेम्परेचर जहाँ पे सपोर्ट हो सकता है लाइफ एट्टीन के टू एटीन बी जो है के टू एटीन बी ये एट टाइम्स मास है अर्थ के और कैटराइज इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है और ये रिजल्ट इससे रिवील होता है कि जो मॉलिकुलर सिग्नेचर है वाटर वेपर के ये ऑल्सो इंडिकेट करता है जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और इन द प्लानट एटमोसफेयर प्लानट ऑर्बिटिंग डॉर्फ वाइट डॉर्फ स्टार डिस्कवर्ड पहली बार फर्स्ट टाइम जो एनी जो फाउंड हुआ ऑर्बिटिंग द्वाइट डॉर्फ स्टार वाइट डॉप्रेजेंट करता है जो एंड पॉइंट है, ये, ये है जो एंड पॉइंट हैं इवोल्यूशन के ऑफ इंटरमीडिएट एंड जो लो मास स्टार्स हैंट डॉर्फ है यह स्टार लाइक जैसे सन बिकम आफ्टर दे आर एगजॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल अब नियर जो एंड ऑफ द न्यूक्लियर बर्निंग स्टेज में इस टाइप के जो स्टार एक्सपेल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द आउटर मटीरियल क्रिएट ए प्लेनिटरी निबुला ओनली द हॉट कोर ऑफ द स्टार रिमेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी सी डी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी सी डी थ्री ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं ऑर्बिटिंग अर्थ और जो ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ को विच हैज़ बीन डब्ड मिनी मून कहा जा रहा है और और जो प्लानट सेकेंड मून ये एक्चुअली एस्ट्रॉइड है और अब अबाउट अबाउट द साइज़ ऑफ कार जो इसका डाई मीटर है इज़ अबाउट वन पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट फाइव एम मीटर अनलाइकली अवर जो परमानेंट मून है मिनी मून इज टम्परेली और ये इवेंचुअली ब्रेक ब्रेक जो ब्रेक ब्रेक फ्री ऑफ अर्थ ऑर्बिट और एंड गो ऑफ ऑन इट्स ओन वे स्टार स्टार डस्ट ये जो ओल्डेस्ट सॉलिड मटीरियल एवर फाउंड ऑन अर्थ ये जो है टैब्ड है इन ए मेटेराइड दैट फेल इन ऑस्ट्रेलिया अराउंड अबाउट लगभग पचास ईयर ए गो अबाउट फाइव टू फाइव टू सेवन मिलियन ईयरस ओल्ड जो प्री डेट्स हैं द सन विच इज़ अबाउट फोर टू सिक्स मिलियन इयर्स ओल्ड जो सुपर जाइंट स्टार बिटल गीज बिटल गीगस, जो रेड सुपर जायंट स्टार हैं ओवर ट्वेंटी टाइम्स बिगर देन द सन कंस्टेलेशन और यूज करेंगे यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वेरी लार्ज टेलीस्कोप ऑस्ट्रोनॉमर्स हैव नोटिस अनप्रेसिडेंटेड डिमिनिंग एंड चेंज इन द शेप ऑफ स्टार